एवरीवन, दिस बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही से में। से आज शुरू होने वाला पांच से छह माह का एक और चैप्टर आपका इंतजार कर रहा है जबरदस्त तो होने वाला ये लेक्चर क्योंकि भाई आपको पता चलेगा कि यार एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं ऑर्गेनिक के कल बहुत सारे बच्चों ने सामने से मैसेज किया कि सर अभी तक हम ऑर्गेनिक सिर्फ पढ़ रहे थे लेकिन कल हमें पता चला कि क्वेश्चन निकलते कैसे हैं अभी तक हम ऑर्गेनिक पढ़ के ना समझ नहीं पड़ते यार क्वेश्चन कैसे आएगा और कल के लेक्चर के बाद हमको पता चला कि यार ऑर्गेनिक पढ़ना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद जो है कि आपको यहां पर प्रेशर डालना इंपॉर्टेंट है कि जब मिक्स करके पूछा जाता तो वो अलग लेवल पर बन जाता है क्वेश्चन और ऐसा ही कंटेंट आपको लेकर आया हूँ मैं आज के दिन भी ताकि आपको और ज्यादा मजा आए और आप अच्छे से रिलेट कर पाओ कि हाँ यार कुछ तो अलग हो रहा है इसके अंदर कुछ तो नया हो रहा है इसके अंदर यस yes, जल्दी से पहले कंफर्म कंफर्म करो क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है मयूर मुले सर कमेंट रीड करो प्लीज हाँ बच्चा रीड करो मैं कमेंट या चैट बोल रहे रहे हो हो क्या बोल रहे बोलो जरा यस 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 एवरी वन इन द चैट बॉक्स अंगवा लगा दो अंगार लगा दो यार यस yes. स्टार्ट किया जाए ओके okay.

जो पहला टॉपिक निकल रहा है मेरे लिए वो है अल्कोहल क्या बात है सर ऑफर कर रहे हो क्या सुबह सुबह यस yes. सर आफ्टरनून हो गया है सर आपने अभी तक चालू भी नहीं किया आपको चढ़ गई ये सुबह है कौन से एंगल से सुबह है अल्कोहल है भाई नशा तो होने वाला है क्या बोलती पब्लिक येस सर नो तो तैयार हो जाइए बहुत जबरदस्त सेशन के लिए मजा आने वाला है एकदम धमाल होने वाला है सबसे पहले बात करेंगे यार अल्कोहल जो होता है वो है क्या अगर मुझे डेफिनेशन की बात करेंगे कि यार अल्कोहल क्या है तो अल्कोहल जो होता है बच्चा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर आपके पास कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए क्या होना चाहिए हाइड्रोक्सिल मतलब ओ एच ग्रुप का होना जरूरी है अगर ओ एच नहीं होगा तो बच्चा इसका मतलब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो मतलब वो अल्कोहल नहीं है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना बच्चा अगर आपको दिखाई देगा तो हम बोलेंगे यार ये अल्कोहल है क्या है अल्कोहल है अल्कोहल को फिर हम आगे क्लासीफाई करते हैं तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे नो डाउट

अब आपको डाउट है का सर इसको कैसे दिखाते हैं अल्कोहल को अल्कोहल को हम आरस -OH के रूप में दिखाते हैं किस रूप में दिखाते हैं -OH अब हम बात करेंगे oh जी हाँ. अगर हेलोजन का अल्कोहल मतलब आपको का का आता है तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल

मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है जहां पर सिर्फ एक, एक ही ओ एच पाया जाएगा इट कंटेन ओनली वन ओ एच ग्रुप फिर बोलेंगे डायहाइड्रिक यहां पर दो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे टू ओ एच ग्रुप होना चाहिए मिनिमम उस कंपाउंड में ट्राई हाइड्रिक सर ट्राई हाइड्रिक का मतलब क्या है तीन ओ एच होना चाहिए मेरे भाई, भाई। पॉलीहाइड्रिक

अगर ऐसा कंपोनेट आ गया तो अरे ये तो ग्लाइकोल बन गया क्या होता है हमारे लिए ग्लाइकोल सर ट्राईहाइड्रिक के अंदर आएगा ग्लिसरॉल बन गया तीन ओ एच तो आ गए हम बोलेंगे यार ट्राईहाइड्रिक है ज्यादा आ गए तो हम बोलेंगे यार पॉलीहाइड्रिक है इस तरह से लेकिन डिटेल में अगर हम बात करेंगे सर कौन सा सीखने वाले डिटेल में तो नो डाउट अब डिटेल की अगर मैं बात करूं बच्चा या जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या जो आप पूछा जाता है वो है आपके लिए मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन तो यहां पर जो अगला टाइटल आपके लिए आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर मैं फर्स्ट लेने वाला हूं ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर सी एस पी थ्री अटैच रहेगा बहुत ध्यान से देखना बच्चा ऐसा अल्कोहल हमें चूज करना है जिसका ओ एच किससे अटैच रहेगा सीएसपी थ्री से अटैच रहेगा रहे अब ऐसा अल्कोहल कौन हो सकता है जैसे कि हमारे लिए सी एच थ्री सी एच टू ओ एच है या दूसरा एग्जाम्पल ले लो सी एच थ्री एच पी एच थ्री ओ एच है या तीसरा एग्जाम्पल ले ले बच्चा पी एच थ्री एच थ्री एच थ्री ओ एच अगर इसको मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं ये बोलूंगा यार ये क्या है ये कार्बन कैसा है सर ये कार्बन जो है ना मेरा ये कार्बन ये जो ओ एच है ना बच्चा ये ओएच किस से अटैच है इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन का नेचर क्या है सर ये कार्बन का नेचर एस पी थ्री वाला है ध्यान से देख बच्चा देखो कल बताया था मैंने सिंगल बॉन्ड एसपी थ्री सर ये वाला इसके ऊपर अटैच है और ये अरे मतलब भाई क्या बात है, 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 है सबको फुलफिल कर रहा है लेकिन सर ये तीनों एग्जाम्पल कौन से है ये तीनों जो है इस कैटेगरी में आएंगे किस में आएंगे वन डिग्री अल्कोहल टू डिग्री अल्कोहल थ्री डिग्री अल्कोहल पहला क्लासिफिकेशन

कोई डाउट ये फर्दर कितने में 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 होगा 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 सर ये में होगा। प्राइमरी, कोई confusion? पड़ा था में सर ये तीन कोई कल का होता है sp3 होगा, लेकिन उसके यही चीज़ पर आने वाला है कैसे देखो ये sp3 वाला बंदा है उसके नेक्स्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा और इस तो सेम टू तो सेम हो गया सेम टू तो सेम 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 टू सेम हेलोजन रिपीटेशन है

मजा आया क्या बोलती पब्लिक एकदम तो धमाल होना है अल्कोहल समझ में आ गया अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है अब आएगा नॉर्मल क्लेचर ऑफ अल्कोहल बहुत ध्यान से देखना बच्चा जब मैं नॉर्मल क्लेचर बोलूंगा ना तो आपको मैं पहले पैटर्न समझा दू नॉर्मल क्लेचर के अंदर पहले पैटर्न समझा देता हूं पैटर्न क्या है सर पैटर्न यह कि भाई जब आप अल्कोहल की बात करते हो तो अल्कोहल का जो आयुपैक नेम होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा अल्केन ई रिप्लेस बाय ऑयल ये होगा आपका पैटर्न अल्केन ई रिप्लेस बाय ऑयल चलेगा और जो अटैचमेंट होगा हमेशा कहां से काउंट करेंगे जहां से ओएच OH नजदीक आएगा कहां से काउंटिंग करेंगे बच्चे जहां से ओएच OH नजदीक आएगा जैसे एग्जांपल के लिए एच थ्री एच एच थ्री टू ओ है इसका आयु लिखना हुआ तो लगातार कितने कार्बन पहले वो देख लो यस सर लगातार तीन कार्बन एक नंबर पे ओ अटैच OH है दो नंबर पे मिथाइल अटैच है आप बोलेंगे सर एक नंबर पे ओएच दो नंबर पे मिथाइल तो अपना दिमाग चलाओ एक तो बोलेंगे सर काउंटिंग मुझे कहां से करनी पड़ेगी जहां से ओएच नजदीक आ रहा है ओएच कहां से नजदीक आ रहा है सर ओएच ये साइड से नजदीक आ रहा है तो एक दो दो नंबर पे मिथाइल इसका राइट नाम होगा टू नंबर पे मिथाइल ध्यान जाए बच्चा दो नंबर पे मिथाइल एक दो तीन तीन कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेन और प्रोपेन के एक नंबर पे ऑल अटैच है क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ बस इसी पैटर्न के साथ में हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे फटाफट फड़ सारे कॉमन नेम और आईपैक नेम जल्दी से चेक कर लो सी एस थ्री ओ एच मिथेन ऑल सी एस थ्री सी एच टू ओ एच इथेन ऑल तीन कार्बन से लगातार कितना हो गया बच्चा प्रोपेन दो नंबर पे ऑल प्रोपेन टू ऑल यहां पे देखो तीन कार्बन प्रोपेन वन ऑल चार कार्बन ब्यूटेन एक दो नंबर पे ऑल ब्यूटेन टू ऑल सारा आईपैक एकदम इजी लग रहा है चेक कर बच्चा कॉमन नेम कल का जो लेक्चर पड़े होगा

कॉमन नेम कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो कहीं पर कोई डाउट है अगला कॉन्सेप्ट क्या आएगा जरा चेक करो अगला क्या है लगातार कितने कार्बन कार्बन है जो मैंने पीछे सिखाया था तीन और दो नंबर पे ब्रांच है आपका तो एक दो दो नंबर पे मिथाइल पहले लिखेंगे तो टू मिथाइल प्रोपेन के एक नंबर पे ऑल टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल क्या बोलेंगे फिर से सुनो टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल दिखाई दे रहा है फिर यहां पर देखो लगातार कितने कार्बन है चेक करो पहले लगातार कितने कार्बन है एक दो तीन एक नंबर पे अल्कोहल दो नंबर पे मिथाइल क्या ये बात समझ में आ रही है क्या ये बात समझ में आ रही है यस yes, सर बिल्कुल समझ में आ रही है तो एक नंबर पे अल्कोहल है दो नंबर पे मिथाइल है बिल्कुल यस yes, सर तो अब हमारा काम यह है कि इसको पहचानना है सर ये तो है, है एचपी वाला मतलब ये हमारा जो कंपोनेंट है प्राइमरी वाला ये तो ये प्राइमरी नेचर दिखा रहा है तो सर काउंटिंग कहाँ से करेंगे काउंटिंग यहां से करेंगे एक नंबर पे अल्कोहल दो नंबर पे दो मिथाइल टू कॉमर टू डायमिथाइल हो गया फिर तो क्या हो गया बच्चा टू कॉमर टू डायमि चेक करो टू कॉमर टू ऑल मजा आया सर ये नियो पैटर्न दिखा बिल्कुल सही जवाब एक नंबर नंबर पे पे है और दो आपका अगर दो ब्रांच हो जाता है तो उसको हम नियो बोलते हैं यहाँ पर वही पैटर्न मिलेगा जैसे कल हमने पढ़ा था नियो पेंटाइल आज के नाम में आएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल नियो पेंटाइल अल्कोहल इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटल अल्कोहल ठीक है ये देख लो टर्ड ब्यूटल अल्कोहल क्योंकि ये जो कार्बन है वो सीधा सीधा तीन लोगों से अटैच है एक

सर दो कार्बन है दो कार्बन का नाम आएगा इथेन और ये ओ OH कितना है दो है तो डाय आएगा क्या आएगा बच्चा डाय आएगा फिर से सुन लो डाय आएगा चलेगा यस 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 हमनेल पे हेलोजन डेरिवेटिव का दिख रहा है क्या बोल रहे भाई हमनेल अलग दिख रहा है आर यू श्योर पक्का 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 चलो हम बाद में देखते हैं तो मैं चेंज कर दूंगा ठीके? टेंशन देखो देख बच्चा? ये समझा क्या लिखा मैंने जरा बोलो नेक्स्ट क्या है, क्या है? तर लगातार कार्बन गए तीन तीन कार्बन को क्या बोलेंगे प्रोपेन पूरा प्रोपेन लिखो एकदम बढ़िया से ऐसे प्रोपेन पूरा लिखने का ई हटाने का भी नहीं वन टू थ्री वन टू थ्री ट्राई ऑल समझ में आया बच्चा एकदम इजी हुआ कि नहीं वो बोलो एकदम इजी हुआ कि नहीं सर उसके बाद वाला जरा देखो यहाँ पर इस कंपोनेंट को बोलते हैं क्रोटेन ऑयल क्या बोलेंगे बच्चा क्रोटोनॉइल -तो क्रोटेन ऑयल अल्कोहल बोलते हैं अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया बीच में तो चार कार्बन में और आई पैक ऐसे लिखेंगे बोलो जरा आईपेक का रूल क्या है यहीं से काउंटिंग करेंगे जहां से वो नजदीक आ रहा है लगातार कितने कार्बन सर चार कार्बन इस चार कार्बन के एक नंबर पे तो अल्कोहल है नो डाउट एक दो तीन चार चार कार्बन के एक दो नंबर पे सर डबल बॉन्ड है तो दो चार कार्बन के दो नंबर पे डबल बॉन्ड एक नंबर पे अल्कोहल अल्कोहॉलू टू इन वन ऑल समझ में आया बच्चा कोई डाउट है यस 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 कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी मजा आया बोलो यस चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चा कोई डाउट है येस yes. थंबनेल में एरर है बच्चा जरा चेक करो थंबनेल में एरर एक मिनट जरा थंबनेल में यहां पे चेंज करता हूं थंबनेल मेरा एक मिनट रुक जाओ जरा थंबनेल मेरा रहा है बच्चे इसलिए बोलेंगे कि हेलोजन डेरिवेटिव तो आए नहीं रहेंगे इन चैप्टर रिपीट नहीं यहां तो बराबर दिख रहा है यहां तो बराबर है बच्चा अल्कोहल फिनोल ईथर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहां तो बराबर है ये हमारे यहाँ पे बराबर है बच्चा अब मुझे देखना पड़ेगा लेक्चर के बाद देखता हूँ ठीक है लेक्चर के बाद देखता हूँ मैं ये देखना पड़ेगा क्या अब ये देखना पड़ेगा कुछ तो कैप्चर किया इसने लगा मेरी तरफ से करेक्ट है मुझे एक बार वापस से लेक्चर खत्म होने के बाद देखना पड़ेगा वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ जो चैप्टर है एल्कोलफिन का है मैंने बराबर लगाया वापस से मैं चेंज कर दूंगा बाद में एक बार चेक करके ठीक है ये सर क्वेश्चन नहीं है क्या क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन है सर इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा क्यों नहीं है देखो और इधर से क्वेश्चन मिलेंगे अल्कोहल से कम मिलते क्यों क्योंकि अल्कोहल के मैक्सिमम कंटेंट डेरिवेटिव से मैच करता है जो कल के लेक्चर में आ ही गया होगा बाय डिफॉल्ट समझे अभी ये अपने जहन में बिठा के रखना चलेगा तो चलिए शुरू करते हैं अब यहां से शुरू होने वाला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जिसका नाम रहेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ध्यान से देख ले बच्चा ध्यान से देख लो मजा आने वाला है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल सर प्रिपरेशन मतलब क्या होता है प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर करना है. मैं बनाने जा रहा हूं अल्कोहल कैसे बनाते हैं वो दिखाने जा रहा हूं मतलब जैसे मान के चलो कि मेरे पास फर्स्ट प्रिपरेशन है मेरे पास अलकाइल हलाइड है ठीक है पहला मैं अलका हलाइड से ले रहा हूं

अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सर एक्वेस इंपोर्टेंट है क्या जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्वेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं बिकॉज है? बच्चा अगर आपने एक्वेस नहीं लिखा और आपने एल्कोहलिक लिख दिया या नहीं भी लिखा एक्वेस लिखा ही नहीं तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं उसका रीजन है बिकॉज क्यूच हमारे पास दो टाइप का होता है आप कौन सा टाइप यूज कर रहे हो एक्जामर को बताना पड़ेगा इसलिए मैं देखो हर एक कंपोनेंट के नीचे मैंने एक क्यू हुआ है

NH मिला है तो यहाँ अल्कोहल। अब ऐसा ही अगर मैं बोलूं मॉइस्ट सिल्वर सिल्वर ऑक्साइड में मेरे भाई मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर मॉइस्ट moist मतलब moist मॉइस्चर मतलब और मॉइस्चर मतलब पानी मॉइस्चर मतलब पानी तो जब मैं पानी में ए मिलाऊंगा तब ये दो कॉमन ले लो सब जगह से आंसर बन जाएगा टू ए जी ओ एच क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यही चीज पहले मैंने आपको समझाई है यहां पर ताकि आप किसी भी एंगल से बेहोश ना होने पाए देख लो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है बाद में आर में एजीओ मिला है, तो एक्स बाहर और ये मॉइस्ट मोस्ट एजी टू के सी एस थ्री सी एस टू बी आर एजीट तब जाके हमारा आंसर बनेगा देखो ए जी बी आर बाहर जाएगा इथाइल अल्कोहल इजी अगला कंसेप्ट क्या है अब आने वाला है मजा मजा अब आएगा ना वीडियो तो भाई अब नंबर सेकंड बोल सकते हैं दैट इज एसिड एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन मतलब सर जैसे आपने इथिन ले लिया ठीक है पहले समझ लो इस डबल वन को मुझे तोड़ना पड़ेगा अगर मुझे इसके अंदर पानी मिलाना है और अल्कोहल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा डबल वन को पहले तोड़ना पड़ेगा तोड़ने के लिए मैंने क्या किया कॉन्सेंट्रेटेड लेवल का मैंने एच यूज किया किस लेवल का कॉन्सेंट्रेटेड लेवल का अभी अल्की नहीं तो कोई दिक्कत नहीं कोई कहीं पर भी जाएगा तो यहां पर अटैच कर दिया आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से सी एच थ्री सी एच टू एच एस ओ फोर

अगर मुझे कुछ प्रोपीन जैसा मिल गया और मुझे बोला गया इससे अल्कोहल बनाओ पहला काम क्या है कॉन्सेंट्रेटेड लेवल का क्या मिलाएंगे लेवल का मिलाएंगे लेकिन सर और ये तो अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल थोड़े है ये अनसिमेट्रिकल है तब क्या तब क्या होगा रूल फॉलो होगा प्लस माइनस के हिसाब से माइनस उसके बाद जाएगा जिसके, जिसके पास कम हाइड्रोजन है ये लॉजिक याद रखना है एच एसओ फोर माइनस है वो किसके बाद जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि सी एच थ्री dh TH, hso4 ch3 ऐसा बनेगा जी हाँ और जैसे ही मैंने पानी मिलाया ओ भाई ये क्या कमाल है सर ये तो अल्कोहल बन गया क्योंकि जब ये बाहर जाएगा तब हमारा प्यारा सा आंसर जो है कि ch3 dh TH, oh ch3 ये हमारा प्यारा सा इंफॉर्मेशन जो है कि पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा क्या बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा बोलो मजा आ रहा है एकदम धमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई दिक्कत किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई है तो बोल दो मजा आ रहा है एकदम yes, हुआ है मतलब को कुछ लिखना हो थोरी के कंसेप्ट में उसको जरा भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए देख ले बच्चा पहले मैंने जनरल थियोरी रखी है जनरल थियोरी क्यों रखा है सर ताकि exactly होता क्या है? Catalyze, alkyne, क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बराबर

अगर मैं आईसो ब्यूटली ले लू भाई ये तो कमाल की चीज है वाह मजा आने वाला है क्यों सर क्यों मजा आने वाला है क्योंकि बच्चा ये कमाल की चीज है तुम्हारे घर में अंकल आए चलो आज मैं जाता हूं हमारे एक्स वाई जेड स्टूडेंट के घर में और आप केमिस्ट्री में माहिर हो आपको पता है कि भाई सर को स्वागत कैसे करते हैं भाई आपने मेरे सामने क्या किया क्लास में पाउडर फॉर्म में क्या डाल दिया आईसो ब्यूटली डाल दिया ये लो सर बस पानी मिला के एंजॉय करो वही भी टेंशन में कौन सा कंपाउंड डाल दिया बच्चे ने मेरे को भाई जैसे ही मैंने पानी डाला और पानी में तुमने क्या किया था पहले से ही दो बूंद नींबू का दिया था नींबू समझते हो एसिड आ रहा समझ में तो भाई जैसे ही कंपाउंड देख रहे हो उसके अंदर जैसे ही मैंने पानी डाला हल्का सा एसिडिक वाला पानी वैसे ही मार्किटिंग का फुल फॉलो होगा माइनस जाएगा उसके बाद इसके पास कम हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और भाई साहब क्या बन गया टर्ड अल्कोहल बन गया ओहो पहला नशा जबरदस्त मतलब ये तो मजा आ जाएगा इसमें तो नहीं अंकल भी टेंशन में आ जाएंगे ये क्या पिला दिया मेरे को सुबह सुबह इसने सर घूम रहा है मेरा यस yes, तो बच्चा ऐसा क्यों हुआ सर बाकी सब में ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि बच्चा बाकी सब ने स्ट्रेट चेन थे स्ट्रेट चेन का मतलब मजबूती ज्यादा होती है और ब्रांच चेन में मजबूती क्या होती है कम होती है जब कोई अल्कि आपके ब्रांच के फॉर्म में रहेगा इसका मतलब कि वो मजबूती उसकी कम है या बोल सकते हो कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वो जल्दी टूटेगा इसीलिए पानी से भी काम चल जाता है तो में सिर्फ पानी मिलाने से काम चल जाएगा लेकिन पानी का नेचर कैसा होना चाहिए एसिडिक होना चाहिए समझ में आया बच्चा कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चा ये जो आपको दिख रहा है इस समय नंबर सेकंड वाला इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं ठीक है ज्यादा पूछा नहीं गया बट इस साल के पेपर में मुझे लग रहा है कि शायद ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आपको अब आने वाला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ये का भी बल्किप्ट है सब कहीं ना कहीं आप इन सबको इलेवंथ में भी सीखोगे इसलिए बोर्ड में बहुत कम दिखते हैं ये लोग ठीक है बोर्ड में अगर आप देखने की बात करें तो बहुत कम दिखेंगे बिकॉज सब में भी पूछा गया है हाइड्रोबोरेशन एक अच्छा है बहुत इजी वे में आएगा, आएगा आपको बस ध्यान से देखो जरा जब आप बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन पैटर्न को समझ लो पहले जैसे कि प्रोपीन ले लिया बच्चा आपने ये रहा आपके पास प्रोपीन और इसमें मैंने मिला दिया बी टू एच सिक्स ध्यान से देखो जरा बी टू एच सिक्स मिला दिया चलेगा अब यहां पर पीएचएफ के साथ में अच्छा इसका जो एक एच रहेगा ना वो इस कार्बन के बन जाएगा सेकेंड नंबर वाले के पास डबल बॉन्ड के बाजू वाले के पास क्यों सर ऐसा क्यों क्योंकि ये जो कार्बन है वो बी से अटैच करता है ठीक है जैसे ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा ये भाई साहब क्या बन जाएंगे पी एच थ्री बन जाएगा डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा बच्चा सिंगल बॉन्ड कार्बन की वाले से डिस्टर्ब हो गई हाँ सर तो वो बी से बॉन्ड बनाएगा बी बोलता है मैं थ्री प्लस हूं मैं भी जिसके साथ आता हूँ मैं उसको थ्री प्लस कर देता हूँ ये थ्री कर देगा लेकिन बी का नंबर कितना है सही मायने में दो है इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे दो से मल्टीप्लाई किया ये होल कार्बन कितना हो गया बच्चा छे हो गया देखो ये होल कार्बन कितना हो गया थ्री टू जैसा सिक्स हो गया ऐसे केसेस में इसको छे करना पड़ेगा इसको छह से मल्टीप्लाई करो जैसे आपने ये पहला कंपाउंड कंप्लीट किया तो आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कंप्लीट हुआ जिसका नाम आएगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन क्या बोलेंगे बच्चा ट्राई प्रोपाइल बोरेन बोलेंगे इसको नीचे लेकर आ जाओ इसको हम नीचे लेकर आएंगे सी एच थ्री एच टू सी एच टू थ्राइस बी इसको मैं नीचे लेकर आ गया अब मैं इसमें क्या मिलाऊंगा इसमें हम मिलाएंगे एच टू ओ टू बहुत ध्यान से देखना बच्चा बेसिक कंडीशन में एच टू ओ टू को मैं ओ एच ओ एच के रूप में भी लिख सकता हूं देखो एच टू ओ टू बी और ओ एच पहले पास में जाएंगे बिकॉज बी जो होता है प्लस होता है ओ एच माइनस है तो सबसे पहले बी ओ एच पास में जाएंगे बी बोलेगा मैं जिसके पास भी जाता हूं मैं क्या करता हूं थ्री प्लस दे देता हूं

तब प्रोपेन टू ऑल बना था, था। लेकिन अगर वही मैं चेक करूं कि यार अगर मैं इसमें हाइड्रोबोरेशन कर रहा हूं तब भाई साहब ये क्या बना रहा है क्या बोला एकदम क्लियर समझ में आ रहा है देख लो यहां पर मैंने दो एक्साम्पल कम से कम आपको दिखाए होंगे ताकि आप अच्छे से कर पाओ पहला एग्जाम्पल इथिन के साथ में किसी के पास भी एच भेज भेज दिया यहां पर बन जाएगा सी

बोलो समझ में आया कोई कंफ्यूजन बच्चा कहीं पर भी कोई दिक्कत है किसी को भी अगला कॉन्सेप्ट चालू किया जाए यस yes, सर अगला है आपके लिए रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड मजेदार कॉन्सेप्ट है पहले ये समझो कि यार रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल का मतलब क्या होता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड सही मायने में क्या है सर ये क्या है सर ये रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या है ये तो सोचो जरा जब मैं ये वोड यूज करता हूँ कार्मोनिल इसका मतलब आता है कि अल्डीहाइट हो सकता है कीटोन हो सकता है कार्मोसलिक एसिड हो सकता है स्टर हो सकता है बिल्कुल सही जवाब तो हम लेने वाले अल्डीहाइट पर ले लेंगे रिडक्शन का मतलब एच मिलाना है तो मुझे यहाँ पर एच टू मिलाना है जैसे कि मैंने अल्डीहाइट ले लिया और इस अल्डीहाइट में अगर मैं बोलूँ आपसे एच टू मिला दो निकल के प्रेजेंस में निकल प्लेटिनम इस तरह से ये एच यहाँ जाएगा और एक एच यहाँ जाएगा बिकॉज वो माइनस होता है एच को खींचेगा अपनी तरफ ये आर सी ओ एच बन जाएगा और यहाँ पर जब कार्बन की तो एक एच पहले से है एक एच और आएगा मतलब ऑफ द स्टोरी क्या हैल्कोहल सर है कि -OH बनता हुआ नजर आएगा। अल्कोहल। कीटोन के लिए भी सेम होगा क्या नहीं ध्यान से देखना बच्चा कीटोन के लिए क्या होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है इसमें एच टू मिलाएंगे यहाँ पर यह जाएगा यहाँ पर यह जाएगा लेकिन जो अल्कोहल बनेगा वो सेम नहीं बनेगा एक बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल जबकि ये बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल ये चीज को याद रखो अब जहां पर एच टू है टू एच लेकर मैंने आर सी डबल बॉन्ड ओ एच इसमें मैंने इस तरह से हाइड्रोजन ले मैं तो लिया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एलुमुनियम हाइड्राइड ठीक है देख लो एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो यहां जाएगा, जाएगा प्राइमरी बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन आपको इसके कुछ भी दिखेंगे कि हाँ यार, क्या बात है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है अच्छा डिफरेंस ये है दोनों में जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे और अगर कोई अल्डीहाइड आ गया जो कि डबल बॉन्ड वालाइड है जैसे मानकर चलो कुछ ऐसाहाइड है और इस इसपे आप एक जगह पे एच टू मिला रहे हो निकल के साथ में एक जगह पे टू एच मिला रहे हो लिथियम एलोनीम हाइड्राइड के साथ में तो बच्चा लिथियम अलोनियम हाइड्राइड का जो एच रहेगा सिर्फ अल्डीहाइड को क्या करेगा अल्कोहल बनाएगा लेकिन जो एच टू वाला निकल वाला जो एच टू रहेगा वो अल्डीहाइड को अल्कोहल तो बनाएगा लेकिन डबल बॉन्ड को भी क्या करेगा सिंगल बॉन्ड बना देगा ये कंसेप्ट के लिए यूज करते हैं एच टू और एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लिथियम अलोनियम हाइड्राइड लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड भाई एक्सपेंसिव होता है ठीक है उसमें तुम्हारा घर जाएगा याद रखो है अपने एक्सपेंसिव रिएजेंट करते हैं अपन हल्के फुल्के में लेते हैं अपन कोई भी रिएजेंट अपन महंगे महंगे रिएजेंट यूज करते हैं है कि नहीं यस तो यहाँ पर जरा देख लो कैसे लिखना होगा क्या पैटर्न होगा जल्दी से देख बच्चा जबरदस्त क्या बोल रहे हैं भाई पब्लिक यहाँ पर यस मानिया भाई गलत है यार ऐसा कुछ क्यों ऐसा मत कर यार आप लोग मम्मी डैडी के ऊपर मत जाओ यार यस कर दिया भाई सुमित यस yes, ऐसा नहीं करने का कभी भी किसके पेरेंट्स में मत जाओ मालूम है आप कितने लकी हो कि आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ दे रहे हैं उनको थैंक यू बोलो ठीक है और गॉड को थैंक यू बोलो यार भगवान को थैंक यू बोलो कि हम एटलीस्ट उस काबिल है कि हमारे हाथ में एंड्रॉड फोन है और मैं देख पा रहा हूँ चीज़ों को बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो फोन बहुत दूर की बात है ठीक है सही तरीके से उनको सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं तो इसीलिए अगर आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप यहाँ पर नॉनसेंस चीज़ें मत करो है कि नहीं यस चलिए

ये पूछा है कि हाउ प्रिपेयर प्रोपेन वन ऑल फ्रॉम प्रोपनल देखो बढ़िया क्वेश्चन है यार. प्रोपेन वन अभी मैंने आपको का एक क्वेश्चन समझाया. प्रोपनल का मतलब होता है तीन कार्बन से बनने वाला अल्डीहाइड अब ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है मैंने क्या किया एच टू लिया निकल के प्रेजेंस में भाई क्या बन जाएगा ये आंसर में पीएच थ्रीएच टू H2way, है देखो कितना क्या लिखा था प्रोपनल के साथ बनाना है प्रोपनल की मदद से बनाना है और क्या बनाना है प्रोपेन वन ऑल बनाना है बोलो समझ में आ गया समझ में आया बच्चा कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी चीजें एकदम आसान हो रही है मजा आ रहा है चलो आप देखो कीटोन के साथ कैसे किया आपने वही सेम चीज जो मैंने बताया कीटोन में एच टू में, में, में एक एच यहाँ जाएगा एक एच जाएगा बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोल दिखाई दे रहा है जो आप देख भी पा रहे होंगे अब यूजिंग लिथियम लीथियो हाइड्राइड सेम चीज अल्डीहाइट एच लिया लिथेम और एसिड लिया इसकी क्या बन जाएगा बच्चा आपका प्राइमरी अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल सेम और वही आपका एक एच यहाँ अल्कोहल चेक कर बच्चा कोई डाउट है यहां तक पहले? पहले तक कोई, भी, भी कोई डाउट है तो बोल दो ओ मेरे भाई अरे कुछ डाउट है तो बोलना बच्चा कोई कंफ्यूजन है तो बोलना मजा आ रहा है एकदम धमाल जबरदस्त, चलेगा क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया चलिए यहां पर देखो जरा अगला जो कंसेप्ट आने वाला है आपके लिए कार्बोक्सिलिक बोले तो आर ओ एच सर इसमें लिथियम एलोमियम हाइड्राइड की मदद से करते हैं अब ये महंगा महंगा कंपाउंड सर क्यों यूज कर रहे हो सर आपको मैं महंगा भी यूज करके दिखा रहा हूं और इसका कन्वर्जन इसका अल्टरनेटिव मेथड सस्ता वाला भी बताऊंगा कि भाई अगर हम महंगा यूज नहीं कर सकते हैं तो हम सस्ता वाला भी करेंगे टेंशन नहीं समझे कि नहीं समझे मजा आने वाला एकदम तो सर इसके साथ में कैसे होगा तो बड़ा सिंपल है यार यहां यहां से से जाएगा जाएगा इसके पास टूट के, के निकल जाएगा। तो आंसर क्या बन गया आंसर क्या बनेगा आर सी आर सी ओ एच तब ये इसका एच जाएगा इसको पूरा करने के लिए मतलब यहां पर एच आ गया और यहां से एच बाहर भी चला गया टोटल एच कितना चार

कि ईस्टर मिल गया अब इस ईस्टर में अब इस ईस्टर में हम दोबारा लीथियम एल्यूमिन हाइड्राइड नहीं मिलाएंगे बल्कि हम H2 मिलाएंगे निकल के साथ में और इससे फायदा क्या होगा कि देखो तो ये वाला H यहां चला गया ये सर और ये H यहां आएगा और यहां आके इसको पूरा करेगा मतलब तो दो से मल्टीप्लाई कर दो तो R H2OH और आर मतलब मतलब आर हमारा एक नया प्राइमरी अल्कोहल बन गया जो कि ऊपर इथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से बन रहा था वही चीज मुझे यहां पर अल्टरनेटिव मेथड से सस्ता बन गया। बोलो समझ आया। था वो भी बाहर निकल गया और जो है वो तो है कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी मजा आया क्या फुल धमाल हुआ कि नहीं बोलो पहले चलो तो आपको दिखाता हूं कैसे यहां पर रिडक्शन ऑफ एसिड

और जैसे इसको मैंने आगे रिएक्ट कराना स्टार्ट किया यहाँ से एच इसके बाद जाके अल्कोहल बनेगा ये दूसरा वाला पार्ट जाके इसको क्या बनेगा बच्चा प्राइमरी अल्कोहल बना देगा इस तरह से हमारे पास दो अल्कोहल बन जाएंगे ये और कौन सा अल्कोहल था ये वही अल्कोहल था जो आपने स्टार्टिंग में यूज किया था देखो यहां पर ये वाला। ये वाला जो अल्कोहल आपने यूज किया था वो तो बाहर निकल गया साथ में नया अल्कोहल भी बन गया जिसकी आपको तलाश थी जो इसके पीछे आप बना रहे थे डन नीचे क्या दिया ऐसा नीचे एग्जाम्पल दिया इसी का एग्जाम्पल मैंने दिया आर की जगह पे सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ एच फाइव ओ एच अब क्या बाहर जाएगा जरा बोलो सर यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच टाटा बाय बाय ध्यान से देखते चलो यहाँ से एच फिर से देख बच्चा यहाँ से एच कहाँ गया भाई यहाँ से एच देखो जरा यहाँ से ओ एच टाटा बाय और यहां से एच टाटा बाय बाय इस तरह से पानी बाहर चला गया ये दोनों आपस में मिल गया पानी बाहर चला गया तो ये पूरा पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा इस तरह से बन जाएगा इसके अंदर जब हम टू एच टू मिलाएंगे तो एक एच इसके साथ मिलके क्या बना देगा बच्चा अल्कोहल बनेगा इथाल अल्कोहल जो पहले बना था ये पूरा कंपोनेंट जो है कि आपका इथाइल अल्कोहल ये भी बनाएगा इस तरह से आपका कंपोनेंट बनता हुआ नजर आएगा बोलो समझ में आ गया कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है देखो पर एक क्वेश्चन ऐसा आया था एक क्वेश्चन देखो इस तरह से पूछा गया था मैंने आपको बताया भी था कब कब आया था बच्चा पिछली बार ही आया था मार्च दो हजार तेईस में पूछा गया था क्या क्वेश्चन है एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन है इसके डबल बॉन्ड यहाँ पर बीच में दिख रहा है आपको और स्टार्टिंग में अल्डीहाइड है बोला है कि अगर मैं उसके ऊपर लिथियम अल्मोनियम हाइड्रेड मिला दू और एच टीओ प्लस मतलब कि एक ही कंडीशन है पूरा लिथियम सिर्फियम हाइड्रेड मिला दू बताओ क्या बनेगा तो सी बात है कि डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा और का किसमें बच्चा अल्कोहल में होगा तो डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच पांचवा कार्बन अल्कोहल और डबल बॉन्ड अपनी जगह पर मतलब बी आंसर इसका सही होना चाहिए बोलो कितने लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि यस सर एकदम करेक्ट आंसर है हमको पूरा का पूरा समझ में आ गया बोलो कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी मजा आया एकदम जबरदस्त तरीके से कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं सर यही चीज मैंने आपको यहाँ पर भी बता के दिया जरा देख लो सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पर भी लिया है मेरे नोट्स में इतने माइडाटा अगर पानी मिलाए तो ए क्या बनेगा और एस टू लियर निकल तो बी क्या बनेगा ए देखो क्या बन रहा है पेंट डेस थ्री डेस इन वन ऑल बनेगा और अगर मैं बी बोलूँ तो यहाँ पर पेंटेन पूरा ए एन आ जाएगा मतलब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा जबकि डबल बॉन्ड क्या होंगे बच्चे पूरा गायब हो जाएंगे चलेगा नेक्स्ट आने वाला है ओहो हो कौन सा कौन सा रिएक्शन आने वाला है जल्दी बोलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है अगर कोई भी बच्चा इस चैप्टर को पढ़ रहा है और ये रिएक्शन ना करके जाए भाई तो बड़ी नाइन साफी होगी इस रिएक्शन के साथ में इस चैप्टर के साथ में इसका मतलब सर कौन सा रिएक्शन है रिएजेंट विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन तो चलिए पहले आपको मैं इसके झलक दिखाता हूं एग्जेक्टली कैसे रिएक्ट करता हो आप

मुझे अपने साथ रख लो ये ओ बोलेगा ठीक है आ जाओ और ओ इस चक्कर में सी के साथ बॉन्ड तोड़ देगा अब ये आर आएगा से पूरा करेगा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो क्या बन गया सर कॉम्प्लेक्स ऐसी चीजें बन गई हैं अब इसके अंदर जैसे ही मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस किया ओ भाई एम जी एक्स ओ एच टाटा बाय बाय आंसर क्या बन गया आर सी ओ एच एच आ गया आर डैश और यहाँ पर आएगा एम के ऊपर एक्स और ओ एच सर नाम क्या होगा इसका नाम क्या होगा नाम क्या होगा सर नाम है अल्कोहल क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है वो डिपेंड करता है कौन सा कंपोनेंट आप लेते हो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ कि अगर हमने फॉर्मल डिहाइड ले लिया ध्यान से देख बच्चा अगर हमने क्या ले लिया फॉर्मल डिहाइड ले लिया प्लस ग्रीगनाड मिलाएंगे तब भाई बाय डिफॉल्ट ये प्राइमरी अल्कोहल देगा आपको आगे रखा है मैंने रिएक्शन और अगर मैंने अदर ले लिया अल्डिहाइड बट अदर देन फॉर्मल डिहाइड समझे कि नहीं अदर देन फॉर्मल डिहाइड अगर हमने ले लिया और इसमें ग्रिगनाड मिला दिया तब ये बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा और अगर भाई साहब आपने कीटोन ले लिया इसी पैटर्न में और प्लस से ग्रिगनाड लिए रिजेंट ले लिया तब ये भाई साहब टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे इनको ये याद रहेगा उनके लिए चीजें एकदम आसान रहने वाली हैं

एम जी बी आर कहाँ जाएगा एम जी बी आर जाएगा इस ओ के पास जैसे ये इस ओ के पास जाएगा आपको पता है कि ओ डिस्टर्ब होगी तो ये सी एस थ्री जाएगा सी एस थ्री जाएगा इस कार्बन के पास और आप देख सकते हैं पर एक बनेगा। और जिसमें पानी मिलाएंगे MGBR OH बाहर आंसर बनेगा आपके लिए सी एस थ्री सी एस टू ओ एच इथाइन एल्कोहल फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल बन गया तो कोई डाउट है कोई डाउट है राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दैट रिजल्ट वेद

ये MgBr कहाँ जाएगा एम जी बी आर जाएगा डायरेक्ट और सी एस थ्री सी एच के ऊपर इसको हम बोलेंगे आइसो प्रोफाइल एल्कोहल क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चा कई कंसेप्ट है जो आपको पूछा था अभी अभी ताजा ताजा पूछा था मजा आ गया प्रोपेन टू ऑल प्रोपेन टू ऑल कैसे लिखेंगे वो ध्यान दो जा यहाँ पर प्रोपेन ऐसे लिखने का बच्चा फिर डैश टू ऑल लिखने का सब आपको मार्क्स मिलेंगे ठीक है सर किटोन के साथ में कैसे रिएक्शन होगा देखो कीटोन का भी रिएक्शन मैंने नीचे दिया है सेम तरीके से आर सी डबल बॉन्ड ओ आर आर डैश क्या है मैंने आर डैश एम जी एक्स अब ये एम जी एक्स कहाँ जाएगा आपको पता है ये एम जी एक्स जाएगा इस ओ के पास आंसर बन जाएगा कॉम्प्लेक्स और पानी मिलाने पर ये एम जी एक्स ये ओ एच बाहर आंसर बन जाएगा टर्चरी अल्कोहल दिखाई दे रहा है बच्चा जो आपको पूछा भी ना था यहाँ पे अल्कोहल कैसे लेंगे देखो इस तरह से लेंगे आपने एसीटोन लिया उसमें क्या मिला दिया सी एस थ्री एम जी बी आर मिलाया एम जी बी आर जाएगा एम जी बी आर जाएगा इसी के पास यहां पर बन जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से एम जी बी आर और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था बच्चा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा एकदम इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल खत्म हो चुका है मात्र पांच प्रिपरेशन कोई दिक्कत नहीं किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं क्या बात है मजा आ गया भाई जबरदस्त 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 यस

हाइड्रोजन बॉन्डी बना देगा और यह है क्या ये आपका पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव वाला हिसाब है इसको हम बोलेंगे कहीं ना कहीं, कहीं क्या बता रहा है पोलैरिटी बता रहा है क्या बता रहा है पोलैरिटी बता रहा है क्या बता रहा है बच्चा पोलैरिटी देखो यहाँ पर उसी का यहाँ पर लिखा हुआ है कोई डाउट को भी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो ऑफकोर्स यार अल्कोहल जो होता है लोअर अल्कोहल जो होंगे दे आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड होते हैं जहरीले होते हैं खतरनाक होते हैं अ विदिस्टिक ओडर बोल सकते हो एक स्पेसिफिक स्मेल आता है में बड़ा सिंपल सा पॉइंट है जिसके जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चा आपका बॉलिंग पॉइंट भी क्या होगा बढ़ेगा बात का ध्यान देना सॉलिबिलिटी लोअर अल्कोहल जो कि ज्यादा सॉलिबल होते हैं लोअर अल्कोहल्स हैविंग अप टू थ्री कार्बन एप्रिसिएबल सॉलिबिलिटी इन वाटर ठीक है ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके ऊपर क्वेश्चन एक मार्क के लिए आ सकते हैं कि सॉलिबिलिटी ज्यादा क्यों होती है अल्कोहल की ठीक है अरे पैक ऐसे थोड़े बन जाते हैं तुम्हें क्या लग रहा है पैक ऐसे बन जाते हैं पैक के लिए कंसेप्ट है केमिस्ट्री का कि जैसे ही अल्कोहल पानी में जाता है भाई वो क्या करता है एच की बॉन्डिंग बनाता है

इसमें न्यूट्रल नेचर आया मतलब कोई भी कलर चेंजेस नहीं नजर आया फिर हमने क्या किया उसको बेस के साथ में रिएक्ट कराया बेस जब मैंने बेस के साथ में रिएक्ट कराया तो कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो अगर ये एसिड होता तो बेस के साथ में रिएक्शन करता लेकिन भाई कुछ रिएक्शन ही नहीं किया तो एक्वस सोलूशन ऑफ एल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विद बेसिस लाइक और एक्वस ए, न, ए, तो एल्कोहल प्लस बेस नो रिएक्शन ठीक है स्ट्रॉन्ग के साथ किया क्या रिएक्शन नहीं किया लेकिन जब मैं अल्कोहल को लेकर आया मेटल के साथ में ओ भाई रिएक्शन विद एसिड मेटल सॉरी रिएक्शन विद एसिड मेटल मतलब एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो अगर मैंने जब रिएक्शन किया मैंने यहां पर ठीक है मेटल के साथ में मैंने रिएक्शन किया मेटल साथ में जब मैं अल्कोहल को मेटल साथ में मिलाया मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कैसे रिएक्शन होता है मजेदार रिएक्शन है थोड़ा सा जब मैंने अल्कोहल को बच्चा मेटल से मिलाना स्टार्ट किया तो मैंने ये ऑब्जर्व क्या आर कि ओ एच में जब मैंने सोडियम मेटल मिलाया तब इसके अंदर हल्का सा एच टू गैस का एफर वे मतलब एच टू के बुलबुले बाहर निकलने लगे इस अल्कोहल में से क्या निकलने लगा एच टू के बुलबुले बाहर निकलने लगे एच यहाँ पर दो पर के मैंने दो से मल्टीप्लाई किया ये एच जब गायब होगा तो यहां से एन ए आ जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा आर ओ एन ए सर एन ए भी दो हो गया इसको दो से मल्टीप्लाई करो इस कंपोनेट को हम बोलेंगे सोडियम अल्कोक्साइड क्या बोलेंगे बच्चा सोडियम अल्कोक्साइड बोलेंगे ये चीज बनती हुई नजर आई और ये एच टू का निकलना हमको ये सामने वाला है ये बता रहा है कि भाई अल्कोहल कहीं ना कहीं हल्का एसिडिक है तो अगर कभी पूछा गया कि एसिडिक नेचर कौन सा रिएक्शन दिखाता है तो आप एग्जाम में मार्क करके आएंगे अल्कोहल प्लस मेटल अल्कोहल प्लस मेटल क्या करेगा बच्चा हल्का एसिडिक दिखा देखो तो अल्कोहल में जब मैंने एन ए मिलाया तो सोडियम मेटल यहाँ से टूट के जाएगा आपने दो से मल्टीप्लाई किया इस तरह से आंसर आएगा तो जरा चेक कर लो मथेनॉल मिथाल अल्कोहल प्लस सोडियम क्या तो आपको मिल जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड मिथाल करेंगे तो सोडियम मिथॉक्साइड आ जाएगा सर कुछ कुछ और मेटल ले सकते हैं क्या आपकी मर्जी है ऐसे एक दो मेटल ले सकते हैं बट बेसिकली बेसिक बेसिक

प्राइमरी कौन सा है सेकेंडरी कौन सा है टर्सरी कौन सा तो कैसे पता लगाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम लुकास का सारा लेंगे yes, लुकास बोले तो झकास कैसे सर बताता हूं मैं आपको आपने लुकास लुकाजन ले लिया उसमें प्राइमरी कोड डाल दिया जब आप प्राइमरी कोड को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि सर बहुत टाइम लग रहा है रिलेशन होने में फिर आपने सेकेंडरी लिया उसको आपने लुकास रिलीड किया तो थोड़ा जल्दी हो गया और टर्शरी भाई ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली हो गया जो ऑन द स्पॉट होगा वो टर्शरी है इसको थोड़ा टाइम लग रहा है

देखो बच्चे लोगों को मालूम है बट लिखने का कंटेंट नहीं मालूम है क्योंकि किसी ने बताया नहीं भाई तो लिखना क्या होगा बुक में भी बहुत क्लियर फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो आपको आइडिया नहीं होता कि लिखना क्या होता है तो बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ तीन आंसर चुटकियों में हो जाएगा चुटकियों में है बट लिखने का अंदाजा आपको नहीं है कैसे लिखते हैं इसीलिए बहुत ध्यान से देखो जरा ठीक है क्या बोलेंगे प्राइमरी रिक्वायर्ड मतलब ये रिएक्शन कुछ समय लेगा और हीटिंग इफ़ेक्ट आल्सो रिक्वायर्ड इन दैट तब जाके आपको अल्काइल क्लोराइड बनता हुआ नजर आएगा सेकेंडरी अल्कोहल आरसीएचआर किया एचसीएल बारज एचओएच पानी बाहर चला गया सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बन गया अब इसमें क्या बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद लुकास रिएजेंट एंड इट फॉर्म 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड दिस रिएक्शन विल विल टेक लेस टाइम विल टेक मतलब प्राइमरी जो है ना बच्चा कम टाइम लेगा आप टाइमर लगाएंगे ना हर एक रिएशन के लिए कि भाई ये इतने टाइम में हो रहा है ये इतने टाइम हो, हो रहा है कि नहीं क्योंकि आप को नहीं कर पाएंगे और टर्शरी क्या बोलते हैं आर सी एस तो यहां से ओ एच और यहाँ से एच ये पानी बार सी एल उसकी जगह पर आ जाएगा थ्री डिग्री अलकाइड बन गया क्या बोलेंगे टर्शी अल्कोहल्स रिएट्स विध लुकाइड

छोटा सा रिएक्शन रिएक्शन दिया है कि ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ओएच वाले में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल अल्कोहल में अगर मैंने पानी मिला दिया तो मुझे पता है कि यार इसका एच जो है ना इस पानी के पास जाएगा और क्या बना देगा एच थ्री ओ प्लस बनाने एच थ्री ओ प्लस बनेगा और क्या बनेगा आर ओ डैश बनेगा जिसको आयन बोलेंगे और ये अपने आप में अनस्टेबल है जो बंदा अनस्टेबल होगा क्या वो चाहेगा अनस्टेबिलिटी बनाने के लिए बिल्कुल नहीं चाहेगा जैसे कि अगर मैं जहां पर हूँ यहाँ से मुझे कहीं और जाना है और जाने के बाद मुझे अनस्टेबिलिटी मिलेगी मैं बिल्कुल अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा बोलूंगा नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा वहां जाने के बाद मेरे को अनस्टेबिलिटी मिलने वाली है तो ये भाई साहब भी वैसे ही है अल्कोहल समय जहां पर है वहां से आगे बढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगा अनस्टेबिलिटी मिलने वाली है इसीलिए अल्कोहल अपना एच रिलीज नहीं करेगा और जब एच रिलीज नहीं करेगा तो फिर ये एसिडिक नेचर भी नहीं दिखाएगा मतलब ये क्या होता है वीक एसिड होता है या फिर न्यूट्रल के बराबर होता है व्हेन अल्कोहल रिएक्टेड विद वाटर इट गिव्स अल्कोक्साइड आयन व्हिच इज अनस्टेबल देयरफॉर अल्कोहल बिहेव एज अ न्यूट्रल इसलिए अल्कोहल अपना एच रिलीज नहीं करता है

तब अपने जहन में एकदम बिठा लो कि भाई सही मायने में आर सी डबल बॉन्ड ओ एच कार्बोश लेना है मुझे इसमें आर डे ओ OH एच करना है एच प्लस के साथ में ये OH का बॉन्ड टूट रहा है मतलब यहां से एच यहां से ओ OH, एच पानी बाहर जाएगा समझ तो में आया बच्चा आंसर क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश यह बन गया एस्टर लेकिन सर ये तो आपने कार्बोश लिया या, इसको मैं किसी और के साथ भी कर सकता हूं जैसे मैंने एसाइल क्लोराइड ले लिया इसके साथ भी किया जा सकता है ठीक है यहां से एच यहां से सी एल एचल बाहर तो कंडीशन में पैरडिन ले सकते हैं बिकॉज क्या करेगा इसको बेसिक जो कम्पोनेट बच्चा उसको क्या करेगा यहां पर करेगा बिकॉज एक स्ट्रॉग एसिड बनता है और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे पैडिन चाहिए रहेगा आंसर क्या बन गया जरा चेक करो एस्टर बना की नहीं बना अरे सर एकदम मस्त एक, एक नंबर एस्टर बना हुआ मैं तीसरा कंपोनेंट ले सकता हूँ कि सर एक काम करो कि आप ले लो एसिड एंड हाइड्राइड नाम सुना है यस yes, सर और इसमें मिला दो आर डैश ओ एच ये भी किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है कैसे करेंगे इसका जगह इस ओ के पास यहाँ से टूट के निकल जाएगा ये क्या बन गया बच्चा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और आंसर क्या बनेगा डबल बॉन्ड और यहां पर ले लो ओ आर डैश ये हमारा जो है ना बच्चा प्यारा सा इंफॉर्मेशन है जरा चेक करो ये पूरा मैंने आपको एक ही बार में करके दिखा दिया पूरा का पूरा एस्टिफेशन तीनों एस्टिवेशन आपके सामने चमक रहे हैं देख बच्चा जल्दी से तीनों के तीनों क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पर गेमिंग भाई सुपर मत कर बच्चा ठीक है अरे यार आप लोग बड़े मुश्किल से यार पढ़ाई करते हो बड़ी मुश्किल से आप लोग क्या बोल रहे ठीक है सारे बच्चों को सुपर चैट मत क्या करो यार देखो आप यार कॉलेज लाइफ में हो बड़े मुश्किल से आपको पैसे मिल रहे होंगे ठीक है तो उनको आप अच्छे से जमा करो और हो सके तो जैसे ब्रह्मास बुक जैसी चीज़ें वो परचेस करो स्टडी मटेरियल के लिए यूज़ करो ठीक है ब्रह्मास हो गया या कोई बैच है वो ले सकते हैं ठीक है कुछ ऐसे बुक्स हैं जैसे कि अगर किसी को लग रहा है कि यार मुझे ब्रह्मास पाँच सौ का नहीं ले पाऊंगा तो आप ऑनलाइन वो हमारी पी डी है वो ले सकते हो नाइन्टी नाइन ये सारे बच्चों को मैं कहूँगा कि आप यहाँ वहाँ पैसा अगर खर्च कर रहे हो तो यहाँ वहाँ मत करो पैसों को सही तरीके से सेव करो और उसको सही जगह पर यूज़ करो ताकि उससे जो आउटपुट मिले वो बढ़िया वाला मिले है कि नहीं और एजुकेशन से रिलेटेड रिलेटेड अगर मैं बात करूं भाई आपको जो हमारी बैचेस हैं उससे बढ़िया आपको कहीं पर भी बोलते नहीं सोर्स नहीं मिलेगा जहां पर कि इन्वेस्ट किया जा सके हाँ यार यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ फायदा होगा मेरा बहुत बढ़िया फायदा होगा आपका यस याद रखना तो प्लीज कोई भी सुपर चैट नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम से उसकी जगह पर आप उसको यूटिलाइज करो अच्छे कामों में ठीक है चलिए ये देखो क्या है बच्चा ये क्या है सर ये स्टर बन गया क्या बन गया भाई स्टर बन गया सर कितने स्टर बना दिया आपने एक पहला मेथड कार्बोस की मदद से

इस कंब का नाम होता है एस्प्रीन एमसी का बड़ा फेमस क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन बोर्ड में भी ये पूछा जा सकता है इस बार एस्प्रीन का स्ट्रक्चर बताओ या एसिड किसको बोलते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए समझ में आया बच्चा यस 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 बोलो मजा आया एकदम अलग लेवल पे सुकून मिल रहा है अगला देखो तो एसाइल क्लोराइड मैंने क्या बोला था पायर 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 क्या करता है सर ये न्यूट्रलाइज कर देता है क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है किसको करता है न्यूट्रलाइज

सर ये कौन सा रिएक्शन है अब ये वो रिएक्शन है जो मैंने कल आपको एलोजन डेरिवेटिव में पढ़ाया था याद है कि नहीं याद है बोलो याद है एवरीवन जल्दी बोलो पहले जल्दी जल्दी बोलो नहीं याद है याद दिलाता हूं ध्यान से तो देखना बच्चा यहां पर पहले अल्कोहल का रिएक्शन एच के साथ में तो अगर मैंने अल्कोहल में एच मिला दिया सुटेबल कंडीशन में कौन से कंडीशन में बचा सुटेबल कंडीशन में तब यहां से एच ओ एच पानी बाहर आंसर बन जाएगा आर एक्स बोलो तो ये बात समझ में आई सर तो अगर मैंने उसकी जगह पे एच ले लिया स्पेसिफिक एच ले लिया अभी अभी मैंने कराया भी आपको कि आप कोई भी अल्कोहल ले लो प्राइमरी सेकेंडरी नर्सरी में जनरल फॉर्म में दिखाता हूँ आर के रूप में अगर आप आर ओ एच लेते हो उसमें एच करते हो कंडीशन में क्या डालना पड़ता है बच्चा एन हाइड्रस जिंक क्लोराइड डालेंगे इनके मिक्शर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट जो मैंने अभी अभी कराया यहाँ से पानी बाहर जाएगा आंसर बन जाएगा आर सी एल यहाँ से एच टू टाटा बाय बाय ये हो गया पहला रिएक्शन फिर उसके बाद में बोलूंगी अगर मैंने एच एल की जगह क्या ले लिया बच्चा एच बी आर ले लिया तब क्या करेंगे तब हम लेंगे कि भाई अल्कोहल है मेरे पास इसमें एच बी आर मिलाओ सेम कंडीशन मतलब पैटर्न सेम रहेगा एन ए बी आर और एच टू सो फोर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है यहां से एच यहां से पानी बाहर आंसर बन जाएगा आर बी आर याद आ रहा है कल के लेक्चर में ऐसा कुछ किया था अरे सर क्या नहीं था फोड़ा था हमने फोड़ा था ये एच हाँ के, के केस में भी सेम चीज थी भाई आप आर ओ एच ले लो, हाँ लो। कहा तो आई प्लस एच थ्री ओ फोर से बनाया था यहाँ से एच ओ एच पानी बाहर और बाद आप में आपका आंसर बन गया था क्या बन गया था बच्चा आर डैस आई बन गया था क्या बन गया था आर डैश आई बन गया था याद आया कुछ ये इस तरह से आंसर बना था एच टू ओ बाहर गया था सर इतना ही नहीं था बल्कि पीसीएल थ्री पीसीएल फाइव भी थे चलो तो ये आगे पहले इतना देख लो पहले इतना देख ले बच्चा बढ़िया से देख लो पहले कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं देख लो क्या बोल रहा है यार चेक करो पहला रिएक्शन विद हाइड्रोजन हलाइड एच एक्स के साथ में रिएक्शन यस सर तो यहां पर पहला यूजिंग एच सी एल अल्कोहल प्राइमरी में कैटलिस्ट सेकेंडरी में कैटलिस्ट लेकिन में कैटलिस्ट नहीं बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है याद आया कुछ ये देखो रिएक्टिविटी भी दिखा दो मैं आपको वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री क्रिएटिविटी ज्यादा होती है एसिड में एच एल क्रिएटिविटी कम एच बी आर ज्यादा और एच आई सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एच एल प्लस एन हाइड्रोज को बोलते हैं लुकास रिएजेंट और कल के लेक्चर में कराया था मैंने कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का जो रिएक्शन होगा एच एल के साथ में उसको बोलेंगे ग्रू प्रोसेस याद कल का पूरा रिएक्शन रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा एच बी आर वाले केस में एन ए बी आर प्लस एच टू से फोर यहां से एच ओ एच पूरा का पूरा क्या होगा बच्चा पानी बाहर जाएगा आंसर बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड एक्जाम्पल नंबर वन देख लो एच हाँ आई वाले केस में भी आर ओ एच लिया तो यहां से एच ओ एच पानी बाहर आंसर आपके सामने है अल्काइल आयोडाइड आपके सामने है अल्काइल आयोडाइड में इथाइल आयोडाइड चेक कर बच्चा पहले कोई डाउट है तो बोलो आपको लग रहा ना एकदम सर कल का रिपीट है पूरा फुल रिपीट चालू है फुल टू फुल रिपीट चालू है पूछो ही मत एकदम तो सेम टू तो सेम चालू है रिपीट में है कि नहीं यस अब क्वेश्चन है सर अगला क्या करेंगे तो पीसीएल थ्री पीसीएल फाइव वाला भी देख लो एसोसीएल टू वाला भी देख लो पूरा रिपीटेशन चालू है सर ये तो पूरा ये तो कॉमेडी चल रही है मतलब अगर मेरे पास अल्कोहल है और मुझे सामने वाले ने बोला भाई पी थ्री मिलाना है क्या करेंगे यहां से ओ OH टूटेगा आर सी एल आ गया सर सी एल तो तीन है यहां तो तीन दिख रहा है यहां तो एक ही दिख रहा है तीन से मल्टीप्लाई करो सर आर भी तीन हो गया तीन से मल्टीप्लाई कर अच्छा ओएच OH भी तीन हो गया पी भी एक है ओ एच तीन है ना पी एक है ओएच OH एच तीन है तो मैंने एच H3... थ्री ये पहला रिएक्शन मेरा है पीसीएल थ्री के साथ में अगर मैं बोलूं कि pcl5 के साथ में बोलो क्या होगा सेम यहाँ से h OH निकलेगा यहाँ पर कौन आ गया बच्चा cl आ गया तो r डैश क्या बन जाएगा cl बन जाएगा यहाँ से h प्लस है cl माइनस है क्या बन गया hcl बन गया सर उसके बाद क्या बचेगा pocl3 देख लो pocl3 बन गया सर अगर हमने ले लिया तो बेस्ट मेथड तब क्या होगा कंडीशन में डाल दो पाइरिडीन

वहीं पर कंटेंट में जाएंगे तो आपको वहां पर हमने रखा हुआ है सोल्यूशन ठीक है वहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं चलेगा चलिए सर ये सब लिखाएगा आपने अरे बिल्कुल ना यार एक नंबर एकदम आपके लिए टेंशन नहीं लेने का टेंशन लेने का नहीं क्या बोल रही पब्लिक फुल धमाल करने का एकदम मस्त अंगारे तरीके से पढ़ने का क्या ऑर्गेनिक में बवाल चालू है बवाल देखो आप बोलेंगे सर पीवाई को ज्यादा दिख नहीं रहे मैंने क्या बोला अभी आपको ये सारे कंटेंट जो बच्चा कल हमने कवर किए थे डेरिवेटिव डेरिवेटिव में तो वो सारे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं इसीलिए आपको ज्यादा क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा इसके अंदर लेकिन जैसे फिनॉल चालू होगा ना और इथर चालू होंगे वैसे क्वेश्चन आपको कुछ की बौछार लग जाएगी तो इसका मतलब ये सर हुआ कि इस चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन कहां से निकलेंगे फिनॉल और इथर से निकलते हैं उसका रीजन है बिकॉज इसके मैक्सिमम क्वेश्चन डेरेक्ट से ऑलरेडी मैच कर लेते हैं तो समझो आप या तो यहां से बोलो या तो आप हेलोजन डिरेक्टर से बोलो एक ही चीज है कि नहीं यस तो सर आर ओ एच प्लस पीसीएल थ्री वही सेम चीज

एग्जाम्पल नंबर वन खत्म एग्जाम्पल नंबर टू ओ भाई सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री ये ओ एच है ये सर पी सी एल थ्री मिलाया यहाँ से ओ एस टूट के निकल गया सी एल इसकी जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई किया तीन से मल्टीप्लाई का आंसर बन गया आई सो प्रोफाइल सर पी सी एल फाइव में यही होगा देखो बी आर वाला मैंने बताया नहीं बट वही सेम बी फोर बी फोर प्लस बी आर टू सेम होगा तो बी आर वाला सेम आई वाला भी सेम तो ये मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका बिकॉज कल भी किया था और आज भी आपने देखा है पी सी एल थ्री के कंडीशन पे ही करना है आपको या पीसीएल थ्री के पैटर्न में ही फॉलो करना है ठीक है अब नया पी फाइव आ रहा है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है वो जरा एक बार कैसे होगा आर ओ एच पे जब पी फाइव मिलाएंगे यहाँ से टूटेगा यहाँ पर सीएल लगा दो जब सी जाके जाएगा बच्चा तो क्या होगा बोलो जरा देखकर बच्चा फिर से जब ये सीएल इसके पास जाके अटैक करेगा देखो वापस से देखो वापस से देख बच्चा यहाँ से ओ एच टूट गया यहाँ पे सी आ गया जब ये सी जाएगा तो क्या होगा आर सी एल बन गया अब एक एच और एक सी क्या बनाएंगे एच सी एल बनाएंगे और एंड में क्या बन गया पी ओ सी एल थ्री

प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडल अल्कोहल इनमें अगर मैं डीहाइड्रेशन कर दू अगर मैं पानी बाहर निकाल दू तो क्या होगा आपको याद करो जरा याद कर बच्चा पहले स्टार्टिंग में जरा याद करो यस yes. स्टार्टिंग में पहले याद करो मैंने क्या बोला था एसिडलाइज हाइड्रोलिस जब किया था मैंने तब वहां पर मैं अल्किन में आपको पानी डाल रहा था और अल्कोहल बन रहा था यहां पर उसका उल्टा करना है सर अगर मुझे डिहाइड्रेशन करना है तो मैं क्या करूंगा जैसे कि मैं प्राइमरी अल्कोहल ले, ले लेता हूँ पहले ही पर समझा देता हूँ तो ये मेरे पास सी एच थ्री सी एच टू वो एच प्राइमरीअल मैंने क्या किया बच्चा इसमें लगभग नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्सेंट्रेटेड एच ऑफ फूड लेते हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रखते हैं ताकि इसका अल्फा और बीटा वर्जन क्या हो जाए बच्चा बाहर चला जाए तो यहाँ से क्या होगा अल्फा से ओ एच बीटा से एच बाहर जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा बच्चा सी डबल बॉन्ड सी ये मेरा आंसर हो गया बोला समझ में आया पहला एग्जाम्पल जो कि प्राइमरी के लिए बोला गया था नंबर सेकेंड बोला है सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी वाले केस में ये कुछ ऐसा हो सकता है जरा ध्यान से देखना इसको आपने क्या किया बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर ले लिया इस तरह से लगभग थ्री सेवेंटी थ्री के आसपास कैल मिनटर में चल लेंगे ये अल्फा हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा ये यहाँ पर क्या बनेगा अल्फा से ओ एच और बीटा से एच मतलब सर ये प्रोपीन जैसी चीजें यहां पर बनती हुई दिखाई देंगी

थ्री सिक्सटी एट कैलविन के आसपास इसमें ये अल्फा है बाकी सब बीटा कोई भी ले लो तीन बीटा है लेकिन तीनों सेम है कि एक जगह से ही निकलेगा कोई ये नहीं बोलेगा सर बाकी सबसे क्यों नहीं निकल रहे हैं किसी एक जगह से निकलेगा सब जगह से नहीं निकलेंगे ये बन गया आईसो ब्यूट लेनी देखो तो मैंने पूरा तीनों रिएक्शन दिखा दिया बच्चा आपको तीनों रिएक्शन एकदम बढ़िया लेवल पे सिखा दिया ये थमनल गलत लगाया है सर थमनल बच्चा मैंने गलत नहीं लगाया यूट्यूब ने गलत कैप्चर कर लिया है मुझे अब लेक्चर के बाद उसको ठीक करना पड़ेगा क्या इशू हो रहा है मैंने मेरी तरफ से अल्कोहल फिल इधर का ही थम्न लगाया मैंने चेक भी किया दोबारा से ठीक है तो टेंशन नहीं लेना ठीक है यस चलो तो वापस से देख बच्चा प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा डिहाइड्रेशन पानी निकालना मुश्किल होने वाला है जल्दी डिहाइड्रेशन नहीं करेगा इसलिए नाइन्टी फाइव परसेंट मुझे क्या डालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड एसोजोल और ज्यादा टेम्परेचर भी डालना पड़ेगा तब जाके इसका क्या होगा डिहाइड्रेशन होगा और अलखिन बनेगा सेकेंडरी में थोड़ा सा ये इजी होता है टूटना सिक्सटी परसेंट के ऊपर काम हो जाता है और टर्शरी में एकदम ईजी होगा टूटना ट्वेंटी परसेंट में काम होगा और टेपरेचर भी कम लगेगा तो यही मेरा आंसर है आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट ये थियरी मैंने बता दिया प्राइमरी सेकेंडरी आपके सामने देख लो इस तरह से आंसर बनेगा और आपके सामने यहां पर है। अब दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं तब क्या करोगे तब भाई कल का जो लेक्चर पढ़ाया था मैंने सेट जैफ रूल आएगा कौन आएगा सेट जैफ रूल आएगा कौन आएगा बच्चा सेट जैफ रूल आएगा देखो यहां पर जैसे मैंने ले लिया अल्कोहल अब ये अल्फा ओएच यहां पर अटैच आप देख रहे हो बीटा ये भी है बीटा ये भी है सर दोनों में से कौन सा बीटा लेंगे दोनों लेंगे वन बाय वन चलेगा तो आपने का क्या किया इसको अल्फा और यहाँ से क्या किया बच्चा आपने एच निकाला पहले यहाँ से एच यहाँ से एच पानी बाहर तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा बीच में जो डबल बॉन्ड बीच में आएगा उसको हम बोलेंगे ब्यूट टू इन दैट इज मेजर प्रोडक्ट कल सिखाया था मैंने प्लस यहाँ पर क्या होगा बच्चे पहले नंबर पर अल्फा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा इसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट आप चाहिए तो पानी बाहर निकालो दो बार पानी बाहर गया आप चाहिए तो दो दो से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सर दो से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी क्या किया मैंने दो से मल्टीप्लाई बच्चा हमारा आंसर बन जाएगा ब्यूट टू इन मेजर और ब्यूट वन इन माइनर मतलब मतलब क्या -क्या दो चीजों को मिक्स करके कर बना रहा है समझ में आया क्वेश्चन दो तो लोग को मिक्स करके बना रहा है क्वेश्चन देखो क्या है एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिख रहा है मुझे आइडेंटिफाई ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जब टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल में देखो जब टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल आप लेते हो इस तरह से इसमें आपने ट्वेंटी परसेंट एच टू ओ फोर डाल दिया और लगभग थ्री सिक्सटी से थ्री तक का जो रेंज होता है तो आपने क्या उसको कि हीट किया तो पहले क्या बनेगा तो अभी भी मैंने बताया क्या बनेगा तो आंसर बन जाएगा कि सर कुछ ऐसा बनेगा तो आपने अभी अभी सीखा है इसको थोड़ा मैं इजी वे में करके लिखूँ कल से चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ मुझे नहीं लग रहा किसी को डाउट होना चाहिए सेम चीज़ है कन्फ्यूजन है तो मैं इसको तोड़ देता हूँ थोड़ा सा कुछ लोग डाउट में आ जाएंगे सर ऐसा कैसा बन रहा है अब शायद ज़्यादा क्लियर हो यहाँ से बीटा है ये बीटा है ये अल्फा है तो यहाँ से ओ एच OH, यहाँ से एच ऐसे बाहर चला गया डन बच्चा चीज़ें आसान हो गई एकदम यस सर ये क्या बन गया बच्चा ए बन गया मैं आईसो ब्यूटी इसका आंसर मैं यहीं पे दिखा दूंगा अलग से नहीं बताऊंगा आईसो ब्यूटी ए बन गया अब बोल रहे हैं ए में एच टू ओ मिलाओ इसके अंदर वापस से एच टू ओ मिलाओ दिखाई दे रहा है बच्चा अच्छा सॉरी एच टू ओ बना है प्लस एच टू ओ प्लस एच टू ओ फॉर्म हुआ ये ऐसा अब बोल रहे हैं कि इसके अंदर एच बी आर मिलाओ मतलब इसको नीचे लेकर आ जाओ तो मेन प्रोडक्ट है ना बच्चा उसको नीचे लेकर आ जाओ ये आपको सोचने का थोड़ा सा नजरिया आपको रखना पड़ेगा तो नीचे लेने की बात कर रहे हैं एच बी आर बोला है मिलाने के लिए और कंडीशन पे एच टू ओ टू ले लिया है मतलब ये पेरॉक्साइड ले लिया है बच्चा और जब पेरोक्साइड लेंगे तो भाई ये किसको फॉलो करेंगे एंटी मार्किनिकॉफ रूल फॉलो होगा सर ए एम आर आपने क्यों लिखा मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे इसको करते हैं एंटी मार्किनकॉफ में बोलो बी आर कहाँ जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उल्टा काम करेगा और एच जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन और उस पैटर्न के हिसाब से हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप बोलो क्या आपको भी यही चीज मिली सबको पहला आंसर क्या था बच्चा आयुपैक के टर्म में जरा बोलो क्या होगा इसका -पैक यहां पे लिखा हुआ है आयु पैक के टर्म में क्या बोलेंगे टू मिथाइल सही तो बात है और यहां पर भी आयु पैक के टर्म में बोलो इसका तो नाम होगा कॉमन नेम है ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं मुझे इसका आयु पैक चाहिए बिकॉज वहां पर आयु पैक टर्म में पूछा है आयु पैकेट तब में आ वन ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन अब ऑप्शन देखो और बताओ कौन सा राइट है कब आया था सर ये एग्जाम में यह आया था जुलाई 2018 में शायद ये एक मार्क का रहा होगा या शायद एमसीक्यू को टाइप में तो एक मार्क का ही रहेगा बोलो क्या आंसर राइट है सर मुझे तो फिलहाल ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है एकदम बोलो ए सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है जरा चेक कर बच्चा चेक करो फटाफट

है कि नहीं तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है क्या चीज हो ये खुद तुम्हें मालूम नहीं है ऑर्गेनिक के बारे में भाई यही निकल रहा है मेरे मुंह से और क्या ही बोले हम लोग ऐसी चीज है ना ऑर्गेनिक अगर यहां फिट हो गया ना तुम खेलोगे तुमको पढ़ाई नहीं करना है तुमको मजे करना है तुमको लगा यार कुछ और क्वेश्चन दो सर और धमाका दो मजा आना चाहिए एकदम ऐसा लगेगा तुम्हारा यस yes? है कि नहीं एग्री yes, okay. चलिए तो शुरू करते हैं भाई एक और बढ़िया सा कंसेप्ट आपका इंतजार कर रहा है क्या है सर यही सेम चीज अगर हम लोग क्या करेंगे एलुमिना के साथ लेंगे अलग से नहीं बताऊंगा इसी में देख लो एलुमिना टेम्परेचर सिक्स ट्वेंटी थ्री सेम चीज है सौ सौ डिग्री कम करते जाना बस खत्म सर क्या बनेगा वही चीज बनेगा भाई जो तुम पीछे पड़ रहे थे पानी बाहर जाएगा और

ऐसे टाइम पास में करना तो अलग बात है लेकिन आपको सही तरीके से है बच्चा जितना सीटी सेल ने आपको फीस रखा ना आपका चार्जेस पे किया रखा हुआ है कि भाई आपको एडमिशन लेने के लिए या फॉर्म भरने के लिए इतना चार्जेस पे करो उससे भी कम में हमारी बुक है सर एक ही होगी ना बुक हम तो तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ने वाले हैं भाई तीनों का मिला के बोल रहा हूं मैं तीनों का मिला के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ध्यान से देख लो जरा गांव वालों बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यार ये तो बनता है आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का जो बुकलेट है ब्रह्मास्त्र की जो बुकलेट है बच्चा ये आपके घरों पर वन रुपीज में पहुंच जाएगी आपके घरों में पहुंच जाएगी आपको लग रहा है कि सर मुझे घर पे नहीं मंगानी है मैं तो खुद जाकर लेने वाला हूं ओके सर के श्री छत्रपति श्भाजी नगर से जाकर लेकर आऊंगा मैं बिकॉज मैं सर का स्टूडियो देखा हूं या सर का मैंने उन देखा हुआ है जो हमारा पब्लिकेशन है, है तो भाई वही सेम चीज आपको पांच सौ एक रुपए में पड़ जाएगी मतलब सही मायने में जो बच्चे ऑफलाइन मोड में जाके लेंगे उनको पांच सौ एक में पड़ेगी बुक और जो घर पे मंगाएंगे उनको पांच सौ इक्यावन पड़ेगा बिकॉज हम प्राइवेट कुरियर से भेज रहे हैं और आज हमारा पहला स्लॉट निकल चुका है लिमिटेड बुक मंगाई है बिकॉज टाइम बहुत कम है बच्चा ठीक है तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रिंट कर दिया हमने लेकिन अगर आप इसको ले लेंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से नजर आएगा यार क्वेश्चन से लेके आंसर तक तक यहां तक कि अगर आप देखेंगे जाके इसका जो है है वो भी अव्वल नंबर का मार्केट में जितने सोल्यूशन अवेलेबल होंगे उन सबसे कहीं बेहतरीन तरीके से इजी फॉर्म में टीचर के द्वारा लिखा हुआ हाथों से दिया गया सोल्यूशन मतलब खुद हमने हाथों से पेन से लिखा हुआ है बच्चा और उसके ऊपर जो थोड़े बहुत बच्चे भी उसके ऊपर काम लगातार जारी है ठीक है तो अव्वल नंबर का सोल्यूशन आपको मिलेगा हर एक कंसेप्ट के अंदर ठीक है तो मतलब और कितने क्वेश्चन आठ हजार से भी ज्यादा क्वेश्चन एक दो दस बारह पंद्रह तीन हजार पांच हजार नहीं आठ हजार से ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री में मात्र आपको कम से कम बत्तीस तैंतीस सौ क्वेश्चन हो गए पूरे ठीक है सोचो मात्र केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं उतना ही आपको फिजिस में मिलेगा पंद्रह सत्रह सौ क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिलेंगे फिफ्ट की बात होती है इतना सारा कंटेंट मिल रहा है भाई ये बहुत जबरदस्त बुक है अगर कोई बच्चा जहन में रखा हुआ है कि सर ये बुक मुझे चाहिए तो पहले ले लो बिकॉज ये जो सी सेल का जो आप फॉर्म भरने वाले उससे कहीं कम प्राइस में ये और सर कहां मिलेगा ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों को सर ये कहा मिलेगा ऐप के ऊपर मिलेगा नहीं ये कहा मिलेगा बच्चा ये मिलने वाला एक स्पेसिफिक वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉटव्य पब्लिकेशन एकलव्य पब्लिकेशन डॉट लगाना मत भूलना कॉम ट्रिपल डब्ल्यू डॉट एकलव्य पब्लिकेशन डॉट कॉम यहां पर जाएंगे तो आपको जो टैब खुलेगा उसमें शॉप एस एचओ शॉप एस एच ओपी शॉप करके आएगा एक ऑप्शन कोने में इस पर क्लिक करना जैसे इस पर क्लिक करेंगे बच्चा आप बुक की तरफ पहुंच जाएंगे फिर आपके पास फॉर्मूला बुक रहेगी और उसके बाद जो है कि आपको ब्रह्मास बुक रहेगी वो सारी चीज आपको वहां पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा आया समझ में कोई डाउट है बच्चा यस केमिस्ट्री का भी मिलेगा बच्चा एक ही जगह पे सब मिलेगा अभी हमने डाला नहीं है केमिस्ट्री का बिकॉज बच्चों को अभी बुक पहुंची नहीं है तो आपको जो है कि केमिस्ट्री का भी सोलूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा उसी जगह पर जहाँ पे मैथ्स का होगा यस बच्चा मिशन विजिट या है, क्लियर है एक बार बुक आपके हाथ में आ जाएगी फिर हम आपको सोल्यूशन भी दे देंगे सोल्यूशन सर कैसे मिलेगा तो आपका नंबर जिस नंबर से आप लॉग इन करेंगे जिस नंबर से आप फॉर्म भरेंगे ये जिस नंबर से आप बुक परचेस करेंगे मेक श्योर sure कि वो नंबर आपका चालू रहे उस नंबर पे आपको हम बैच में ऐड कर सके ऐसा नहीं होना चाहिए सर ये नंबर तो एंड्रॉइड वर्जन में है ही नहीं ये नंबर तो हमने डब्बे वाले फ़ोन में है ठीक है हमने सिर्फ ओटीपी लेने के लिए रखा हुआ है ऐसा मत करो ठीक है अदरवाइज आपको तकलीफ हो जाएगी और मैं कहूंगा कि सारे बच्चों को लेनी चाहिए आप किसी भी बैच में हो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी बिकॉज इसमें तीन साल के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो कवर किए गए ठीक है बच्चा चलिए स्टार्ट करें यस सर यह हार्ड कॉपी में बुक आएगी यह हार्ड कॉपी में बुक आएगी सर इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी है क्या क्या इसका कोई ई बुक भी है जी हाँ ई e बुक आपको मिलेगी फिजिक्स की अलग मिलेगी केमिस्ट्री की अलग मिलेगी और मैथ्स की अलग मिलेगी जो कि नाइनटी नाइन रुपीज की एक रहेगी मतलब कि तीन सौ रुपए में आपको ई e बुक आएगी तीन सौ रुपए में आपको ई e बुक आएगी जो कि पर्टिकुलर ऐप पर मिलेगी ठीक है डन बच्चा चलो अब आगे शुरू करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओ डैश सी डैश ओ बॉन्ड ये क्या है सर रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ सी डैश ओ बॉन्ड यहां पर मैं करने वाला हूं ऑक्सीडेशन सर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जी हां

एसिड न बनाए Aldehyde से सर आप कहना चाह रहे हो कि प्राइमरी अलकोल में ऑक्सीडेशन किया तो यहां से H, यहां H, पानी बाहर और आंसर बन जाएगा अल्डीहाइट अगर मैंने किटोन लिया किटोन देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है सी एस थ्री सी एस टू एच यहां से इस का फुल फॉर्म है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ठीक है सेकेंडरी अल्कोहल में भी आप क्या कर सकते हैं सीआर ओ ले सकते हो दैट इज कीटोन के केस में यहाँ से एच यहाँ से वेच OH पानी बाहर आपका आंसर ये जाके क्या बनेगा बच्चा इसको बना देगा देख लो सेकेंडरी अल्कोहल में एच वेंच पानी बाहर आपका बन जाएगा कीटोन कोई डाउट है टर्चरी अल्कोहल जो होता है बच्चा वो आपका रिएक्शन नहीं दिखाता है सबसे बड़ी बात कि सेकेंडरी अल्कोहल को आप इसकी मदद से भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं सर इसका नाम क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसकी मदद से भी कर सकते हैं कुछ चेंजेस होगा इसके अंदर बिल्कुल चेंजेस नहीं हो सब कुछ एज रहेगा तब यहाँ पर भी एच ओ एच पानी बाहर और ये वो अटैक करेगा चिटोन बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज ठीक है इनको हम बहुत मुश्किल से बना पाते हैं उसका रीजन है क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है बच्चा ऑब्वियस बात है सर मेन ऐप पर ही मिलेगी क्या पानी पूछ रही है ऐप पर नहीं मिलेगी बच्चे बुक डब्ल्यू 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 डॉट इक्वे पब्लिकेशन डॉट कॉम पर मिलेगी आपको जो उसका आंसर की होगा वो उस बुक के अंदर ही रहेगा मतलब करेक्ट आंसर क्या है जैसे पहले का ए है तो ए पीछे लिखा रहेगा लेकिन अगर आपको सोल्यूशन चाहिए सर वो ए कैसे आया वो जानना है मुझे तब आपको आपका जो नंबर जिस नंबर नंबर जिस से आप बुक परचेस करेंगे करेंगे वो हम डायरेक्टली क्या बच्चा अपने ऐप में ऐड कर देंगे पहले ही जैसे आप बुक खरीदोगे ना वैसे ही आपको वहां आप पर ऐड कर दिया जाएगा समझ में आया तो वो आप जाके वहां से क्या कर सकते हो सोल्यूशन देख सकते हो डी हाइड्रोजनेशन सर डी मतलब रिमूवल हाइड्रोजनेशन मतलब एच बाहर निकलना चाहिए

खत्म जी हाँ तर फिर फिनॉल और इतर अरे बच्चे वाला कंसेप्ट है फिनॉल इतर हार्डली आधे आधे घंटे का है ज्यादा है भी नहीं ठीक है तो रेडी हो जाइए जल्दी से यस 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 आगे बढ़ा जाए ऑफलाइन कहां मिलेगी सर ऑफलाइन कहां मिलेगी आपके घर पर मिलेगी बच्चा आपके घर पर आके मिलेगी आपके घर पर आएगी और प्राइवेट कुरियर है मतलब कि जीन्यून बहुत जल्दी मिलने वाला है ठीक है हमारा जो एक्सपीरियंस था फॉर्मुला बुक में उसके कंपेयर में काफी जल्दी मिलने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं डिफाइन कार्बोलिक एसिड पहला ही क्वेश्चन मार्च दो हजार सत्रह में आया हुआ क्वेश्चन सर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहे हो क्या नहीं ना यार कार्बोलिक कार्बोलिक का मतलब क्या होता है कार्बोलिक को फिनॉल बोलते हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन और फिनॉल का डिप्रेशन क्या है बच्चा कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर ओएच OH अटैच है तो उसको हम फिनॉल बोलेंगे एरोमेटिक के ऊपर ओएच विल बी फिनॉल मतलब हाइड्रोजन आइटम ऑफ एरोटिक हाइड्रोकार उसको हम बोलेंगे aromatic aromatic होगा क्या बोलते हैं सर ये एरोमेटिकलती करेंगे ये एरोमेटिकल्कोहल नहीं है मेरे भाई बोल रहेटिक एल्कोहल बोल रहे हैं जहां पर

जैसे कि फिनॉल में एक ओएच है तो उसको बोलेंगे फिनॉल अगर दो ओएच आ गया जैसे यहां पर दो दो ओ आ गया तब तो इसको कॉमन नेम के क्या भाई आपको याद करना पड़ेगा बट बट जो आयोपैक नेम होगा उसमें बड़ा सिंपल होगा बेंजिन के एक और दो पे डायऑल सिंपल तीन हो गया तो बेंजिन के वन टू थ्री पे ट्रायऑल या वन थ्री फाइव पे ट्रायऑल तो जैसा रहेगा वैसा ही करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी समझ में आ रहा है बच्चा यहां पर क्या करेंगे फिनॉल यस सर आयो पैक नेम बेंजिनॉल या फिनॉल बोलेंगे तो भी चलेगा

जैसे पहला आ गया डाउ प्रोसेस एक्सप्लेन करो ठीक है ऑफ फिनॉल और ये आया हुआ क्वेश्चन है मार्च 2023 में ओ भाई मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्या करेंगे बच्चा डाउ प्रोसेस के अंदर देख लो जरा यहां पे देखते चलो कि आप लेते हो क्लोरोजिन याद है कि भूल गए कुछ याद रहा कुछ भूल गए इनको भी याद है भूल गए तो यहां पर मैं आपको उसी आया हूँ लगभग सिक्स नाइनटी एट कैलिविन के आसपास नहीं थ्री लेते ना ट्वेंटी थ्री कैलविन के आसपास इसको हीट करेंगे प्रेशर में सोडियम फिनॉक्साइड क्या बन जाएगा पानी, पानी बनेंगा, बनेंगा। क्या बच्चा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा जल्दी से चेक करो और बताओ कोई डाउट है तो एवरीवन इन द चैट बॉक्स हंगामा मचा दो क्या बन गया सर सोडियम फिनोक्साइड अब क्या करेंगे अरे अब इसके अंदर एच मिला दे बच्चा एच मिला दो यार डायलूड एच मिला दो और जैसे डायलुड एच मिलाएंगे वैसे यहां से फिनॉल बन जाएगा और एन बाहर चला जाएगा सर ये लिखा है क्या आपने बढ़िया से एकदम बढ़िया से लिखा देखो यहाँ पर आगे आपके लिए फ्रॉम डाउ प्रोसेस क्या बोलेंगे बच्चा डाउ प्रोसेस क्या करेंगे क्लोरब में हमने एनए एच मिला प्रेशर के साथ में यहां पर इतने हाई टेम्परेचर पे पहले यहाँ से क्या निकलेगा पानी निकलेगा

बहुत जबरदस्त हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर फ्रॉम क्यूमीन क्यूमीन की मदद से कब बनाएंगे सर जुलाई 2017 हजार सत्रह हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर ओहो जुलाई दो हजार तेईस हाउ राइट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन जुलाई दो हजार अठारह भाई तीन तीन साल पूछा गया है कैसे बनाएंगे सर पहले तो क्यूमीन मालूम होना चाहिए क्यूमीन कैसे हो दिखता है ये है मेरे पास क्यूमीन क्यूमीन कुमीन का करेंगे हम ऑक्सीडेशन यूजिंग कोबोल्ट नेफ्थनेट ठीक है शॉर्टकट में लिखते हैं 423 केल्विन के आसपास ये ओ जाके इसको अटैक करेगा क्या बनेगा बच्चा एक हाइड्रोपरऑक्साइड बना देगा क्या बनाएगा बच्चा सी ओ ओ एच इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और इसको जब हम आगे हीट करेंगे तो ओ मेरे भाई इधर जरा देखो यहाँ से एसीटोन और यहाँ से ओ जो है कि जाके अटैक करेगा आपके पास आंसर क्या बन गया अरे सर आंसर बन गया फिनॉल और एसीटोन अपन तो बोल रहे ले भाई कि ये आंसर आपको बेंजीन या O2 जाके CH पर क्या बच्चा हाइड्रो हाइड्रो पेरोक्साइड बनाएगा दिख रहा है इसके बाद जाके अटैक करेगा सी ओ ओओ एच बन जाएगा आगे मैंने डायलूट एच के साथ में इसको हीट कर दिया जैसे मैंने इसको हीट किया तो यहां पर फिनॉल और एसीटोन बनता हुआ नजर आएगा नजर आएगा मजा आया यस और नो डाउट कहीं पर भी अगला क्वेश्चन भाई हर एक प्रिपरेशन पूछा गया है हर एक प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है मार्च 2017 मैं ये कहूंगा कि चारों प्रिपरेशन को बढ़िया से घिस डालो ये पूरा प्रिपरेशन ही इंपॉर्टेंट है चार में से एक एक तो आएगा ही आएगा गारंटीड है छप गया पेपर में ठीक है सर बेंजीन सल्फोनिक लंबा प्रोसेस है भाई क्या करते हैं पहले लेंगे क्लोरोबेंजीन नहीं नहीं, नहीं, नहीं क्लोरोबेंजीन लेंगे क्या चेक कर बच्चा देखो यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोला है ना अपने को दिमाग चलाते रहो बेंजीन सल्फोनिक में क्या मिलाएंगे एन एच मिलाएंगे सर इसको भी जब मैं हिट करूंगा ना एसिड और बेस क्या मिलता है सॉल्ट एंड वाटर याद कि नहीं न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलेंगे बच्चा इसको हम न्यूट्रलाइजेशन मतलब यहां से एच यहां से ओ एच पानी बाहर ये बन जाएगा सोडियम

जाएगा सोडियम फिनोक्साइड अब ये आ गया तो फिर टेंशन क्या है सोडियम फिनोक्साइड में हमने क्या मिला दिया बच्चा सोडियम में हमने मिला दिया जैसे इसको मिलाया तो हमारा आंसर बन गया फिनॉल कोई डाउट है किसी को मतलब पिक्चर क्लियर है सर तीन स्टेप एकदम दिमाग के रगों में बैठ बैठ रहा है एकदम बढ़िया वाला कंसेप्ट में यस और नो यस फाइव टाइम्स पूरा चैप्टर हमारा चल रहा है क्या बात है भाई तुषार मजा आ गया मजा आ गया मेरे भाई मजा आ गया देख देखिए फ्रम बेंजिन एसिड में सॉल्ट को नीचे पकड़ो वापस से मिलाओ। 523 पे हीट करेंगे, क्या होगा बच्चा यहाँ से पानी बाहर जाएगा पानी जब बाहर दो इसको दो से मिल पड़ा एन ए टू एस ओ थ्री बाहर और ये ओ इसके साथ जाकेगा सोडियम फिनोक्साइड और मिलाएंगे आपका आंसर जाएगा फिनॉल

इसके साथ में नाइट्रस एसिड प्लस एच सी एल तो इस कंपोजिशन को बोलते हैं नाइट्रस एसिड प्लस एच सी एल दिखाई दे रहा है टू सेवेंटी थ्री टू टू सेवन एट कैलोवीन क्या होगा सर यहां से आपका एच टू ओ बाहर जाएगा यस yes, सर एच टू ओ बाहर चला गया सर यहाँ पर ओ दो, है, दो से मल्टीप्लाई करो सर एच मेरा चार हो गया इसको दो से मल्टीप्लाई करो जरा चेक कर बच्चा परफेक्ट नहीं एच मेरा चार नहीं ऑलरेडी बैलेंस है एक एच दो एच तीन एच चार एच परफेक्ट बैलेंस है ये वाला एन ये वाला एन और ये वाला सीएल मिलकर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएंगे बस काम तमाम अब टेंशन लेने का नहीं क्यों सर कि इस डाइजेनियम सॉल्ट में आपको सिर्फ पानी मिलाना है क्या मिलाना है बच्चा ये भी दिखा देता हूं मैं शॉर्टकट में इसके नीचे क्या मिलाना है बच्चा पानी मिलाना है जैसे हम पानी मिलाएंगे भाई एच सी एल बाहर एन टू बाहर आंसर बन जाएगा नॉल चेक करो सब लोग चेक करो फटाफट चेक करो एनिलिन में क्या मिला है नाइट्रस एसिड और एच सी एल लो टेम्परेचर पर दिखाऊं यस सर दिखाइए तो ये रहा एनिलीन प्लस टू प्लस लो जब मैं नाइट्रस एसिड मिलाया यहां से जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो पानी बाहर जाएगा पे पानी बाहर चला गया पानी में ओ यहां पर कितना था बच्चा एक था लेकिन यहाँ पर ओ दो, है। मैंने दो से मल्टीप्लाई किया एच मेरा चार हो गया मतलब ये वाला एक एच दो एच तीन चार चार यूज हो गए बचा कौन एक एन ओ भी मेरा गायब हो गया तो बचा कौन एक एन यहाँ बचा एक एन यहाँ बचा एक सी यहाँ बचा मतलब सर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई एन टू सी एल बचा हुआ है

2015 में आप सोच सकते हैं कि फिनॉल से कितना क्वेश्चन आया 2015 में सर इसका आंसर क्या होगा पहले वो हो बता दो तो, तो इसका आंसर ये होगा बच्चा कि जो इथेनॉल होता है दे हैव हाँ अ प्रॉपर पोलैरिटी ठीक है दे हैव हाँ अ प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर का पैटर्न समझ लो जबकि अगर मैं इथेन की बात करूं पोलारिटी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा क्या प्रॉपर्टी बताओ तो भी भी रिपीट करेंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे जैसे OH बना रहा था एक फिन दूसरे से जुड़ेगा बाई यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला समझ में आ गया कोई डाउट है बच्चा दूसरा पॉइंट भाई फिनॉल क्या होता है कलरलेस खतरनाक होता है मेल्टिंग पॉइंट बड़ी कम होती है इसकी और एक स्पेसिफिक कैटरिस्टिक ऑर्डर होगा जिसको बोलेंगे कार्बोलिक ऑर्डर है और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कब से बॉलिंग पॉइंट को बोलेंगे एज तो मास का मॉलिकॉलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चा ऑल्सो और नो अब आने वाला लेबोरेटरी टेस्ट आर यू रेडी आर यू रेडी जल्दी बोलो तब के सब तैयार हैं एवरीवन बोलो तैयार है चलो तो भाई सबसे पहले लिटमस टेस्ट से शुरू करेंगे अच्छा सॉल्युबिलिटी एक टॉपिक बचा हुआ है सॉल्युबिलिटी फिनॉल के सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होगी बच्चा रहेगी वाई बिकॉज अगेन दे हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पानी के साथ में क्या होगा बच्चा बॉन्ड बनाएगा एच की बॉन्डिंग यहां पर अवेलेबल है फिनॉल को बोलते हैं एसिड ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखो तो पहला है लिटमस टेस्ट

मैंने पढ़ाते समय मैं बोला था आपको अल्कोहल में कि फिनॉ जो है ना अल्कोहल के कंपेर में मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक होता है क्यों क्योंकि वो चाहता है कि उसका एच निकल जाए ताकि वो रेजोनेस दिखाए क्या दिखाए बच्चा रेजुनेंस। और रेजोन के हिसाब से क्या होगा बोलो के हिसाब से वो स्टेबल हो जाएगा ठीक है तो फिनॉल के अंदर जब पानी मिलाएंगे तो इसका एच यहाँ से टूटेगा ये बन जाएगा एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोनियम आयन और ये बन जाएगा फिनॉक्शन आयन जो कि स्टेबल होता है चला हम एक लाइन यहाँ पे दिखाई दिया मैंने आपको फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक

अब से पी वैके बौछार भी लग गई है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं फिनॉल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी फिनॉभर भर भर के क्वेश्चन बनेंगे अभी से रिपीट कर रहा हूं मैं क्योंकि अल्कोहल का मैक्सिमम क्वेश्चन हेलोजन डेरिवेटिव से मैच करता है जिसकी वजह से वहीं से आ जाता जो आना होता है बट फिनॉल का कंटेंट बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल नया होता है एरोमेटिक में इसलिए इसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ठीक है तो सर क्या करेंगे तो भाई फिनॉल में ब्रोमिन वाटर मिला दो अगर ये मेरे पास समझो फिनॉल है ब्रोमिन वाटर का मतलब होता है कि बी लेना है कंडीशन में पानी लेना है कैसे करेंगे अरे कुछ नहीं करना है सब जगह बी आर अटैच कर दो मतलब दो चार छ जाएगा दो नंबर पे चार नंबर बाहर तो तीन से मल्टीप्लाई दैट इज कॉल्ड कराइ ब्रोमोफिनॉल चमचमाता हुआ क्वेश्चन आएगा एकदम अब हमारा यहाँ से रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्यून पहला रिएक्शन मतलब लास्ट बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक के बाद हमारा फिनॉल खत्म हो जाएगा

तर अगला कंसेप्ट क्या है अगला फिर से देखो तो एक कॉन्सेप्ट आ गया दो हजार चौदह में पूछा गया अक्टूबर दो हजार चौदह में क्या पूछा गया सर कि बताओ कि वॉट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग दीजनॉल इन सी एस टू एट लो टेम्परेचर अभी अभी आपने जो बताया वो दो चार छह तीनों के साथ बन रहा था लेकिन सी एस टू पे क्या होगा सी एस टू पे बच्चा दो और चार अलग अलग बनेंगे मतलब अगर ये मेरे पास फिनॉल है मैंने बी आर टू ले लिया है सीएस टू के प्रेजेंस में हम बोलेंगे भाई एक बार ओब्रोमो तो फिनॉल बनेगा और एक बार पी ब्रोमोफिनोल बनेगा बोलो समझ में आया बोलो समझ में आया क्या यहां पर ऐसा बनेगा ओ ब्रोमोफिनोल और पी ब्रोमोफिनोल होगा मेजर होगा एच टू प्रेजेंट तो बच्चा क्या बोलते हैं उसको हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं और सी को बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट और साथ में एक चीज ध्यान देना अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट में सी एच सी एल थ्री सीसीएल फोर भी आ सकता है एग्जाम में ठीक है नेक्स्ट क्या है सर नाइट्रेशन बिल्कुल नाइट्रेशन यही पे देख लो दो तरह का नाइट्रेशन होगा हमारे पास नाइट्रेशन कितने तरह का होगा दो तरह का नाइट्रेशन पहला डायलूट नाइट्रिक एसिड दूसरा नाइट्रिक एसिड मतलब okay, okay, मतलब ओके ओके दो नंबर चार नंबर बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड में दो चार छ तीनों पे बनेंगे लॉजिक समझ में आया बच्चा लॉजिक समझ में आया क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एकदम बस एक कंसेप्ट के साथ खेलो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री मिलाया डायलूट फॉर्म में

आंखों आंखों में बातचीत चालू है और बंदा रोज आके खिड़की पे बैठ जाता है रोज आके वहां पे हाजिरी देता है तो भाई ऐसे ही जैसे ही ये NO2 यहाँ से निकलता है डर दो नंबर पे बैठ जाएगा क्यों तो क्योंकि वहां से उसको H बड़े सामने-सामने दिखता है समझ रहे हैं तो वो कनेक्शन अलग लेवल का है भाई केमिस्ट्री देखो लोकी अलग लेवल पे चल रही है केमिस्ट्री है कि नहीं यस yes? यस yes? तो भाई यहां पर फिनोल के अंदर चार नंबर पे नाइट्रो आएगा जो कि माइनर होगा बिकॉज़ यहां से कनेक्शन बहुत दूर-दूर है इसीलिए इसको हम बोलेंगे भाई ओ नाइट्रोफिनोल हमारा मेजर और ये माइनर और मैंने नीचे लिखा भी कि ओ नाइट्रोफिनॉल में क्या पाया जाता है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर पाया जाता है इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है डन बच्चा और फिनॉल कन्वर्ट इनटू पिकरिक एसिड यस बिल्कुल अक्टूबर 2013 में आया था क्वेश्चन फिनॉल कन्वर्टेड इनटू फॉलोइंग कंसेप्ट दैट इज पिकरिक एसिड कैसे करेंगे सर बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो फिनॉल को हमने क्या किया बच्चा पिकरिक एसिड में कन्वर्ट किया कैसे किया बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक ध्यान से देखना बच्चा

तो पहला मैं लेने वाला यहाँ पर वॉट इज एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इज एट रूम तो रूम पे क्या होगा सर दो नंबर पे जाके बनेगा और कॉन्सेंट्रेट अगर मैंने लिया हाई टेम्पेचर पे तो चार नंबर पे बनेगा देखो तो ये है मैंने मिला दिया सल्फोनेशन कुछ इस तरह से हमको बोला है रूम टेम्परेचर मतलब टू नाइनटी थ्री के आसपास तो यहाँ से दो नंबर से एच ओ एच पानी बाहर और सल्फोनेशन क्या होगा बच्चा जाके दो नंबर पर अटैक कर देगा मतलब ओ एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये बन जाएगा एस थ्री एच और यहाँ से एच बाहर तो आंसर कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा देख लो चमचमाता हुआ आंसर एकदम ओ तो हाइड्रोक्सी बेंजिन सल्फोनिक एसिड या ओ फिनॉ बेंजिन सल्फोनिक एसिड इस तरह से और वही अगर चार नंबर पर रहेगा कब तो बनेगा चार नंबर पर जब ये हम क्या करेंगे थ्री सेवेंटी थ्री पे लेंगे मतलब तो हाई टेम्परेचर पर तब तो वो क्या बन जाएगा क्या क्या बनेगा फोर हाइड्रोक्सिक बन जाएगा हो रहा है बच्चा अब आने वाला है अगला कंसेप्ट राइमर टाइमर नाम सुना है चलो पहले राइमर डायमन दिखाता हूँ आपको मैं मज़ेदार रिएक्शन है एकदम हमारा हो जाएगा इस रिएक्शन राइमर डायमंड का मतलब क्या है सर राइमर डायमंड का मतलब यहाँ पे कि भाई अगर आपके पास फिनॉल है इसमें पहले आप मिलाएंगे एन देखते चलो यहां से पानी बाहर जाएगा आंसर बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड क्या बन गया बच्चा सोडियम फिनोक्साइड बन गया अब इसमें मैं मिलाऊंगा क्लोरोफॉर्म ध्यान से देखना बच्चा यहां से एक एच यहाँ से सी एच सी एल बाहर और एक इंटरमीडिएट बनता हुआ नजर आएगा जो कि सोडियम फिनोक्साइड के साथ में ई एच सी एल टू बनेगा और इसमें जैसे ही मैं एन ए एच एड करूंगा तो मैं देख पाऊंगा कि यहां से एक सी एल एक एन ए बाहर मतलब माइनस एन ए सी एल एक ह, एक बाहर, मतलब तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ना वो कुछ अल्डीहाइड के पैटर्न में सर देखो सी बचा एच बचा और यहाँ पर एक ओ बचा और प्लस हमने क्या किया इसके अंदर एच सी एल जो बचा था वो ले लिया है यहाँ से एन ए यहाँ से सी एल ये एन ए सी एल बाहर और आंसर हमारा जो है कि बन जाएगा देख लो आंसर हमारा बन जाएगा भाई और यहाँ पर बन जाएगा

ड विफॉम टू गिव एन इंटरमीडियट मतलब ये पूरा प्रोडक्ट आपको बताया इंटरमीडियट दिखाई दे रहा है और मिल गया बच्चा आपको सेली सेली फॉर्म. इस एज मैंने पीछे बता दू से रिपीट देख लो मजेदार तरीके से अगला कंसेप्ट राइट शोट ऑन कोल बहुत रिसेंट पूछा गया है दो हजार इक्कीस में आया बच्चा एक क्वेश्चन दो हजार इक्कीस में आया सोच लो आप

सोडियम हाइड्रोक्साइड रिटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है क्या देगा बच्चा इट गिव्स सोडियम फिनोक्साइड यस और नो जल्दी बोलो पहले हा या ना यस सर आप बोलेंगे यहां पर इट गिव्स इट गिव्स सोडियम फिनोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड विच इज फर्दर रिलेटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा होगा ये यस, विच इज फर्दर रिएक्टेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा टेम्परेचर पर एट अबाउट 398 नाइन्टी अंडर 6 एटीएम प्रेशर इट गिव्स एंड इंटरमीडिएट विच ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डेली साइलिक एसिड समझ में आया बच्चा ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया दिस इज कॉलेज कोलवेरिएशन और आप आंसर दिखा सकते हो इस तरह से कैसे बनाएंगे इसको देखो जरा मैंने पूरा करके दिखाया कैसे इसको ऑन द स्पॉट बनाते हैं ये मेरे पास फिनॉल है ये मेरे पास एन एच है।, है पानी जैसी चीज़ों को माइनस कर दो रिएक्शन आपको कंटिन्यू भी दिखाना होता है ये बन गया आपके लिए सोडियम फिनॉक्साइड इस पर हमको बोला है सी ओ टू मिलाने के लिए नियर अबाउट थ्री नाइन्टी एट कैलविन और सिक्स ए टी एम प्रेशर पर तब यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है बच्चा ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या होगा ना कि ये ओ एन ए नीचे चला जाता है और एच यहां पर आ जाता है और ये सी ओ ओ जो दिख रहा है ना आपको सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए बन जाता है इस तरह से इसको हम बोलेंगे एक इंटरमीडिएट बन चुका है क्या बन चुका है ये इंटरमीडिएट बन चुका है और इसमें जब हम पानी मिलाएंगे या एच सी एल मिलाएंगे डेलूट फॉर्म में तब आप देखेंगे कि यहाँ से एन ए सी एल बाहर और आपका आंसर आपके लिए चमचमा आ रहा है जरा देख लो यहाँ पर बढ़िया तरीके से एकदम कोई दिक्कत नहीं सर एकदम बहुत अच्छे तरीके से ये आंसर यहाँ पर बनेगा

बेंजो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेंजो बनाओ कैसे होगा मतलब इनके बोलने का मतलब है कि बेंजीन पे ऑक्सीडेशन कर दो डायरेक्ट मतलब फिनॉल पे फिनॉल पे ऑक्सीडेशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड दैट इज कॉल्ड एज एन ए टू डाइल्यूट एच यहां से एच यहां से एच बाहर आंसर बन जाएगा बेंजो क्विन कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चा याद आ रहा है यस yes सर देख ले बच्चा यहाँ पर कंप्लीट आंसर एकदम इसको बोलते हैं क्रोमिक एन ठीक है ये देख लो यहाँ पर एसीडीफाइड सोडियम डाइक्रोमिट के नाम से भी जानते हैं इनके मिक्सचर को डन ये देखो हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इन टू बेंजिन आ सकता है वॉट इज वॉटन वेनॉल रिएक्टेड विद जिंक तो मैं सिंपल बोलूंगा जिंक का टू माइनस आपस में रिएट करके जिंक ऑक्साइड बना देंगे देखो यहाँ पर एक है कैटलेटिक हाइड्रोजनेशन एच टू मिलाएंगे कितना बॉन्ड है बच्चा टोटल एक दो तीन चार पाँच छह कार्बन है कार्बन पर एच चाहिए मुझे कितना एच चाहिए मुझे टोटल एच एच चाहिए है का मतलब मुझे तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्या बन जाएगा साइक्लोजन और उसके बाद रिडक्शन विद फिनौल। फिनौल में क्या करेंगे जिंक का टू प्लस, टू प्लस और ओ टू माइनस जाएंगे तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड साइड बाहर चलेगा बन जाएगा बेंजीन ये आपका आंसर है जो दो बार एग्जाम में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में चलेगा बच्चा कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो ओ मेरे भाई अरे कोई डाउट है तो बोलना बच्चा मजा आ रहा है अलग लेवल पर सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बहुत बढ़िया मिल रहा है सर मस्त मजा आ रहा है एकदम अब क्या आने वाला है अब आने वाला है है आज ब्लू पानी देखो पे टाइटल भी लिखा हुआ दो हजार उन्नीस में क्वेश्चन आया था कब आया था बच्चा ये क्वेश्चन मार्च दो हजार उन्नीस में पूछा गया है। देख लो जरा एकदम जबरदस्त तरीके से जरा मैं इस तरह से ले लेता हूं दिखाई दे रहा है देख लो हेलो हेलो चलो थोड़ा ठीक व्हाट आर ईथर्स ये क्वेश्चन आया था 2019 में कैसे करोगे इसको ईथर क्या है बच्चा जरा बताओ ईथर क्या है ईथर क्या है जल्दी बोलो ईथर सर हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सोचो जरा कि अगर हमारे पास ईथर की बात करते हैं तो हम लोग बोलेंगे यार ईथर हमारे पास हाइड्रोकार्बन से भी बन सकता है अल्कोहल से भी बन सकता है या फिर पानी से भी बनाया जा सकता है

ईथर को हम करते हैं बच्चा आर ओ आर डैश के रूप में जहां पे आर और आर डैश सेम या डिफरेंट भी हो सकते हैं इजा में क्वेश्चन आ गया आर ईथर यहां तक लिखेंगे पूरा इतना आपको लिखना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है बच्चा यहाँ तक लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं हर एक बच्चा लिख सकता है आराम से आप क्वेश्चन सर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर तो है यार सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब यहां पर ओ के दोनों साइड नंबर ऑफ अल्काइल या अमाउंट ऑफ कार्बन सेम सेम होंगे सेम अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो सिमेट्रिकल बोलेंगे अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप होगा तो उसको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे

इसके नॉर्मल कक्षर में बहुत सारे बच्चे बेहोश होते हुए मैंने देखा है क्यों बेहोश होते हैं मुझे भी नहीं पता बट हो जाते हैं बस सर आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूं क्यों पता नहीं सर ऐसे बेहोश होने का मन करता है इधर देख बच्चा जब भी आप इसके नॉर्मल कक्षर की बात करेंगे एक चीज समझनी पड़ेगी आपको और वो चीज ये है जब आप ईथर लिखते हो ना ईथर में बच्चा आपको एक टर्म समझना पड़ेगा अलकॉक्सी अलकेन का पैटर्न लेना पड़ेगा

और जिसके एक दो नंबर पे अटैचमेंट आ रहा है तो आपको नंबरिंग भी करना पड़ेगा फिर टू मिथॉक्सी प्रोपेन ऐसा नाम आ जाएगा पहले वाले का यहां पर देखो जरा लगातार कितने कार्बन है सर ये इथोक्सी लगातार कितने कार्बन सर तीन तीन के एक नंबर पे मिथॉक्सी है आप बोलेंगे एक नंबर पे मिथॉक्सी प्रोपेन वन मिथॉक्सी प्रोपेन वन मिथॉक्सी प्रोपेन वैसे देख लो बेंजिन के लिए इथॉक्सी बेंजिन सिंपल

ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाम चलेगा बच्चा कोई डाउट अब क्या आएगा सर एक्सप्लेन देखो ये पुराना पेपर है 2020 तक नहीं ये टर्म होता था आपको मैं बता दूं मार्च 2020 का क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंटिन्यूस इथरीफिकेशन प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल इथर अच्छा ये नाम हमारे बुक से हटा दिया है लेकिन कंसेप्ट अभी भी रखा है कुछ गया दिमाग में क्या बोल रहा हूं मैं नाम हटा दिया कांसेप्ट रखा हुआ है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी रख लिया आपके लिए तो सर ये क्या कांसेप्ट है ये कांसेप्ट यही है ये बच्चा डाईथाइल ईथर का मतलब है कि C2H5 OH है इसमें आपको क्या करना है बच्चा H2SO4 मिलाना है कंसंट्रेटेड लेवल का H2SO4 मिलाना है पर टेम्परेचर बहुत ही कम रखना है 413 आसपास तब इसमें से पानी बाहर जाता है इस तरह से

क्या बोलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जहां पर अलकोल में अंडर गो डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड एट अबाउट फोर वन थ्री कल्फिन इम्पॉर्ट है इधर देगा आरओ एच को मैंने हीट किया इधर मिल गया जैसे इथाइल अल्कोहल का देख लो इथाइल अल्कोहल मैंने हीट किया तो मिल गया लेकिन सर एक्सपेरिमेंट में कैसा किया जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ये आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस एथरीफिकेशन प्रोसेस को बोलते हैं अच्छा मैंने नीचे लिखा भी है टेंशन नहीं मैंने आपके लिए नीचे लिखा भी है देखो कैसे हुआ सर ये तो मैंने क्या किया मेरे पास दो अल्कोहल लेना पड़ता है मुझे राइट आपने देखा हमने दो से मल्टीप्लाई किया तो सी टू एच फाइव में वो OH एच लिया मैंने देखो तो इस तरह से सी टू एच फाइव वो एच लिया मैंने इसमें क्या किया बच्चा एसिड मिला दिया कौन सा एच टू सो फोर तो पहली बार एच ओ एच पानी बाहर गया और आंसर बन जाएगा सी टू एच फाइव एच एस ओ फोर अब इसके अंदर दोबारा से अल्कोहल मिलाओ कौन सा अल्कोहल इथाइल अल्कोहल तो जैसे मैंने दोबारा से मिलाया तो ये एसिड जो है ना हमारा जो बाहर निकला जो मैंने यूज किया था वो बाहर चला गया और ये क्या बन जाएगा जरा चेक करो सर ये तो इथर बन गया अरे सर ये तो इथर बन गया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बाहर जा रहा है सर एसिड बाहर जा रहा है जरा चेक करो पहले स्टेप में जब हमने एसिड यूज किया हाइड्रोजन सल्फेड या पानी बाहर चला गया दूसरे स्टेप में जब मैंने अल्कोहल मिला तो यहाँ से वापस एसिड क्या हो गया बाहर चला गया मतलब एसिड जो है ना बच्चा यहाँ पर रीजनरेट होने का मतलब है ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है जैसे ये एसिड बनेगा वैसे उस एसिड को मैं वापस से यूज करूंगा दूसरे अल्कोहल में और ये प्रोसेस मेरा लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा इसीलिए इस क्यों क्योंकि हमको सिलेबस से निकाल दिया है बच्चा समझा बच्चा गुड़ाउन से परचेस करना है बुक बच्चा श्री छत्रपति संभाजी नगर वहां पर अगर आप पहुंच जाएंगे तो मुकेश सर का स्टूडियो होगा मेरे ख्याल से आपको एकलव्य पब्लिकेशन के अंदर जाइए आप एकलव्य पब्लिकेशन नाम सुना आप लोग ने नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट बता देता हूँ वहाँ पर जाकर एड्रेस चेक कर लो या दिनेश सर ने जो वीडियो डाला तो वहाँ पर से भी वहाँ पर भी जाकर आप एड्रेस चेक कर सकते हो दिनेश सर के वीडियो के नीचे भी ठीक है और मैं भी एड्रेस चाहिए तो आपको दे देता हूँ हमारे वीडियो के नीचे ठीक है ताकि आपको ईजी हो जाए समझना और एकलव्य पब्लिकेशन का नंबर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एकलव्य पब्लिकेशन का नंबर जो है बच्चा हमारा नाइन थ्री से भी आप एड्रेस ले सकते हो इलाव्य पब्लिकेशन का नंबर मैं यहाँ पे कर देता हूं आपके लिए यस सबसे बेस्ट है कि ये नंबर पे आप जाओ ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई बुक स्टॉक में है भी कि नहीं है बुक लगातार प्रिंट हो रही है और लगातार आ रही है ठीक है जैसे ऐसे जा रही है वैसे हम यहाँ पे डिस्पैच करते जा रहे हैं इकलव्य पब्लिकेशन का नंबर ये लिख लो नाइन थ्री जीरो सेवन फोर वन फोर थ्री सेवन थ्री ये नंबर लिख लेना इस पे कॉल करो मैसेज करो और इसकी पे कॉल मैसेज होने के बाद कंफर्म होने के बाद ही आप जाना वहां पर तो और कहां पर जाना है सर ये आपको प्रॉपर एड्रेस बता देंगे ठीक है चलेगा श्री छत्रपति संभाजी नगर में रहेगा धन बच्चा कोई डाउट मुंबई में कहां पर मुंबई में मालाड़ मुंबई में कहा है सर मुंबई में मालाड़ आना है मालाड़ ठीक है मलाड़ पुष्पा पार्क हाईवे बच्चा लेकिन अभी नहीं आना है क्योंकि अभी हमारे यहां पर बुक आई नहीं है मुंबई में अभी बुक आई नहीं है तो प्लीज अभी भी आना मत जब बुक आएगी तो हम अनाउंस करेंगे बिकॉज अभी श्री छत्रपति शाभी नगर से निकली है बुक हमारे लिए भी मेन गोडाउन वहीं ना तो गोडान से फिर यहां पर आने में टाइम लगेगा जो भी चार पांच दिन लगे तो नेक्स्ट वीक में आप मैं कहूंगा हमारे पास भी अवेलेबल हो जाएगी बुक ठीक है यस yes? चलिए अब लिमिटेशन क्या है सर इस रिएक्शन की ये रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है बहुत सारी पहला लिमिटेशन क्या है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ले सकते हैं सेकेंडरी नहीं ले सकते मतलब ओनली प्राइमरी ईथर आर अल्कोहल आर यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर

क्वेश्चन क्या बोला है मिथॉक्सी इथिन बनाओ मिथाइल आयोडाइड कौन सा रिएक्शन है विलियम सन्स का रिएक्शन और विलियम का जो सन्स है भाई वो तो रोता ही है हमेशा विलियम सन्स बोले तो रोना वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन रोना वाला रिएक्शन मतलब कि आर एक्स में r o एन ए मिलाना है सर यहां से एन x बाहर आंसर बन जाएगा आर ओ आर अब समझ में आया बच्चा बिल्कुल समझ में आया लेकिन क्या बोला है मिथाइल आयोडाइड बोला है काम करो इसकी इस यहाँ पे क्या लेंगे लेंगे क्या बाहर चला गया एन बाहर चला गया बोलो आंसर क्या बना इथॉक्सी इथोक्सी बन गया सर जिसकी हमें तलाश थी समझ में आया क्या बच्चा कोई डाउट है जो कन्फ्यूज हो रहा है जरा चेक करो कैसे सॉल्व किया सर यही चीज दिया है गया बिल्कुल यही चीज दिया है यहाँ पर अलका में जब हम सोडियम अल्कोसाइड मिलाएंगे तो ईथर बन जाएगा आपके सामने चमक रहा है, है। पहला सिंपल का सिंपल का और तीसरा एग्जाम्पल यहां पर क्या, क्या देना बच्चा यहीं पे लोग गड़बड़ी करेंगे क्या करेंगे सर अगर आपको ईथर बनाना है टर्शरी के साथ में तो हमेशा प्राइमरी ही होना चाहिए सेकेंडरी या टर्शरी नहीं लेना है अगर आपने को सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो बच्चा ये वापस क्या करेगा अलकी जैसी चीजें बना देगा ये ईथर नहीं बनाएगा मतलब सर इसको लेना पड़ेगा प्राइमरी और इसको जो लेना ले लो सेकेंडरी टर्सरी जो लेना ले लो इसका एन इसका बियर जाएगा और आंसर बन बनेगा इथर टर्ड बिटल मिथाल इथर और अगर आपको एनिसोल की मदद से बनाना है तो भाई मिथाल ब्रोमाइड में आपको सोडियम फिनोसाइड मिलाना पड़ेगा ठीक है तो जहां पर एनिसोल बनाना है अगर मुझे जहां से एन ए मेरे बाहर चले जाएंगे और आंसर बन जाएगा एनिसोल एनिसोल बोले तो बेंजिन के ऊपर इथर बेंजिन के ऊपर ओ सी एस मिथोसी को एनिसोल बोलते हैं सर ये सोडियम फिनोसाइड कहां से बनेगा फिनोल में एनोच मिला फिनोसाइड मतलब क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर

ठीक है अदर इथर जो होंगे कलरलेस लिक्विड रहेंगे विद प्लीजेंट ओडर स्मेल के साथ में ठीक है साथ में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चा लोअर इथर जो होते हैं हाईली सोलिबल होंगे ठीक है होंगे एंड हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मतलब आग लगा देंगे या फिर बोल सकते हैं कि अंगार वाले लोग रहेंगे ज्वलनशील तो बोलते हैं हिंदी में ठीक है बॉइलिंग पॉइंट बच्चे क्या होगा इथर काुलर मास जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा सी सी का बॉन्ड ये एग्जाम में पूछा गया है कितना होता है बच्चा 110 ठीक है लोग 180 सौ अस्सी मार्क करके आते हैं बिकॉज एक पहले था और उसको कैंसिल कर दिया गया ये गलत हो गया एक सौ मोमेंट भी पहले जीरो माना गया था लेकिन डायपोल मोमेंट जीरो नहीं था बल्कि एक वैल्यू आई थी वन पॉइंट वन ठीक है इसको बोलेंगे कि भाई इसका वैल्यू याद करके जाओ और इंटर मालिकुलर फोर्सेज जो होता है इसके अंदर पाया जाता है या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत कम मात्रा में मिलती है अल्कोहल के जैसा नहीं मिलती इतना हाई नहीं मिलती है ठीक है क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है बच्चा बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिलती है ये इस तरह से Okay? बट इसमें ऐसा नहीं होता है बहुत कम होता है फिर भी ये पानी के अंदर सॉलिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखाता है हाउएवर द सोलिबिलिटी और मिसिबिलिटी जो इधर जो है का बच्चा, रहेगा। मतलब लगभग पूरा तो नहीं बोलूंगा बट लगभग सेवन पॉइंट फाइव ग्राम के आसपास जो मैं यहाँ पर लिखा टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे लिखा होगा शायद से यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग सेवन पॉइंट फाइव ग्राम जो है बच्चा आपका इथर पानी में डिजॉल्व होगा जबकि अल्कोहल नाइन ग्राम डिजॉल्व होता है सौ ग्राम के अंदर ये आपको समझाने के लिए बोला होगा कि किस तरह से कितना डिजॉलमेंट होगा ये सौ नो

फोर मिलाया तो इसको तोड़ दो थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए तोड़ देता हूँ एच प्लस माइनस के रूप में जैसे ही क्या बन जाएगा, जाएगा। बाहर चला गया इस ऑक्सोनियम आयन का बनना इस बात का संकेत है भाई जो ईथर है कहीं ना कहीं वो हाइड्रोकार्बन से अलग है इस प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश ईथर फ्रॉम अदर हाइड्रोकार्बन

ये O2 क्या करेगा सी एच के पास जाके अटैक करेगा मतलब ये फिर पर O इसको हम बोलेंगे दिखाई देगा ठीक है सबको समझ में आया रिएक्शन कैसे किया मैंने मैं डाउट है देखो ये क्या है मेरा ईथर क्या मिलाया है ओटू मिलाया क्या बन जाएगा बच्चा यहाँ पे देखो क्या लिखा है इट गिव्स पेरोक्साइड इसको हम बोलेंगे पेरोक्साइड ऑफ ईथर क्या बोलेंगे बच्चा

आंसर पैक बन गया अरे अल्कोहल बन गया यार और क्या है कि नहीं तो मतलब सर अगर अलग अलग इथर रहेंगे तो तो भी यही बनने वाला है दिखाऊं मैं आपको दिया एच। ये जब इसके पास जाएगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा आर डैश ओ एच और यहां पर भी बन जाएगा आर डे ओ एच मतलब दोनों अल्कोहल बन गए सर आप कहना क्या चाह रहे हो मैं ये कहना चाह रहा कि चाहूंगा अगर एग्जाम में आ गया इधर में हाइड्रोसिस करना है दिमाग चलाना आर ओ आर में जब पानी मिलाएंगे तो अल्कोहल बनेगा चाहे सेम आर रहे चाहे अलग अलग आर रहे देखो अलग अलग है तो भी अल्कोहल ही बनने वाला है समझा बच्चा जब हम पानी मिलाते हैं तो लेते हैं और जब पानी बाहर निकालते तो तो हैं क्या बोलेंगे बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं समझ में आया कोई डाउट किसी को भी सर अगर हमने कुछ एनिसोल जैसा ले लिया तो तो भी वही चीज रहेगा एक मिथाल मिथनॉल जाएगा और एक बन जाएगा आपका फिनॉल जो यहाँ पर इस तरह से ले लो डाई था लिया तो भी आपको दो दो अल्कोहल मिल जाएंगे तो काफी इंटरेस्टिंग होता है अब आएगा एच एक्स पीसीएल फाइव वाला पहले देख लो पीसीएल फाइव वाला तो जोक ऑफ द डे होने वाला है कि अगर आपको अल्कोहल आता है अच्छे से क्या ऑटोमेटिक आ जाएगा देखो ईथर में पीसीएल फाइव मिलाना है पहले ये बॉन्ड टूटेगा यस सर टेस्ट कर दो तो चाहिए तो।, तो आर सी एल बन जाएगा अब अल्कोहल में ये एच होता था तो यहां से एच और यहाँ से सीएल मतलब आर डे सी एल बन जाएगा और बचा हुआ पार्ट पी कुछ गया दिमाग में और सर ये तो बड़ा इजी लग रहा है इजी लगनी ना इजी है

अब ये एनिसोल को मैंने एच आई हाँ सत्र में हिट किया तो क्या बनेगा देखो जब आप एनिसोल लेते हो मैं इसका रिशन यहीं भी दिखा देता हूँ बाकी का भले आगे मैं दिखाऊंगा जब आप एनिसोल लेंगे बच्चा और इसमें जब आप एच हाँ आई मिलाएंगे तो बेसिकली ड्यू टू एस एन वन मैकेजम ये आई जाके इसके पास अटैक करें और एच कहाँ जाएगा इसके पास जाएगा इसकी वजह से हमारे पास एक बढ़िया सा कॉम्पोनेट मिलता है भाई ये साई ये बन जाते हैं फिनॉल और ये बन जाएगा हमारे पास सी एच थ्री आई अब बताओ आंसर क्या होगा आइडोमिथिन प्लस फिनॉल क्या आंसर है भाई राइट right आंसर है नंबर डी वाला बोलो ये बात समझ में आई यहाँ पर सिर्फ मिथोनलॉ बोलाइडोबेजन प्लस गलत और तो yes, जज्बा जब आप चार बजे से लेकर लगातार कम से कम साढ़े छह बज गया आज से टाइम तो बहुत कम बहुत माइनर बचा है बच्चा अगर आप रिएक्शन देखना तो बहुत कम बचा है क्योंकि हम ऑलरेडी खेल रहे हैं इस समय हार्डली आपका कुछ रिएक्शन बचा होगा मतलब तो पांच दस मिनट का रिश्वन हो रहा है पांच मिनट पकड़ लो ज्यादा नहीं यस yes? तो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट चल रहा है इस समय है कि नहीं रेडी सर तो डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एक अच्छा क्वेश्चन निकलता है हालांकि इस सिलेबस में जो नया सिलेबस है उसमें हॉट कोल्ड सब हटा दिया बट फिर भी क्या होता है अगर एग्जाम में पूछा जाना तो क्या तरीका है सर पहचानने का और आंसर क्या होता है पहले के टाइम पे ये अच्छा क्वेश्चन होता था बिकॉज दोनों तरह के हमारे पास कोल्ड है चाहे कोल्ड और हॉट दोनों आते थे इसीलिए आप जब पुराना पी सॉल्व करेंगे तो वहां पर आता है कोल्ड और हॉट सर आपका तरीका बता रहा हूं आर ओ आर डैश में जब आप एच आई मिलाएंगे और ये कोल्ड वर्जन का रहेगा कोल्ड का मतलब होता है कि उसी स्टेप पे रोक दो एक ही स्टेप पे रोक दो आगे नहीं बढ़ना है और आई किसके पाएगा जिसके पास आई किसके किसकेगा बच्चा जिसके पास कम हाइड्रोजन रहेंगे या कम कार्बन रहेंगे जैसे मैं यहां पर फिलहाल भेज रहा हूं इसको मैं एच को यहां भेज रहा हूं तो मेरा आंसर इसी पे रुक जाएगा देखो यही मेरा आंसर है में यही भी रुक जाएगा बिकॉज आगे होगा ही नहीं रिएक्शन लेकिन हॉट वाले केस में यस, हॉट वाले केस में अगर यही सेम रिएक्शन में हॉट वाले में ले लू मुझे यहां पर हॉट दे दिया है या एरोपेट टेम्परेचर साइन दे दिया है अब बनेगा तो यही लेकिन अल्कोहल को नीचे लाना पड़ेगा और इसमें दोबारा से एच आई हाँ मिलाकर इसको हीट करेंगे हॉट कंडीशन पे पानी बाहर जाता ही जाता है यहाँ पर पानी बाहर जाएगा और ये भी आपका आर आई बन जाएगा सर हमको अभी सिलेबस में कौन सा है तो हमको सिलेबस में ये वाला ज्यादातर यूज हुआ है समझे बच्चा इसलिए मैं देखेंगे तो अगर मैं हमेशा देखा तो आर ओ आर एस एच एस मिला हीट किया आर एस प्लस अलकोल बन गया फिर अलकोल को वापस नीचे लेकर आओ और एस टी बाहर गया और आर एक्स और एस बन गया बल्ड कंडीशन में एक ही स्टेप में रहेगा सी एस थ्री ओ सी एस थ्री सिंपल से बात है दो चीजें बनेंगी लेकिन इसको नीचे लेकर आओ वापस कराओ सी एस थ्री आई तत्पुर का पूरा क्या बन गया सी एस थ्री आई बन गया यहाँ पर वापस कॉन्सेंट्रेटर हीट किया मैंने दो स्टेप में बनेगा ठीक है वापस ट किया मैंने दो स्टेप में बनाया बच्चा अब अब, अब मेरे ख्याल से सबको समझ रहा होगा लेकिन सर इसमें से किसके पास आई जाएगा आई हमेशा किसके पास जाता है बच्चा इसके पास प्राइमरी नेचर का कार्बन होगा कम कार्बन होगा तो आई हमेशा उसके पास जाएगा ठीक है और वो है जाएगा जिसके पास ज्यादा जिस कार्बन है समझ में आ रहा है देखो यहां पर भी आई किसके पास जाएगा आई जाएगा जिसके पास कम कार्बन है दिखाई दे रहा है सबको लॉजिक क्लियर है सर आई क्या ज्यादा वाले के पास नहीं जा सकता है आई ज्यादा वाले के पास तब जाएगा जब वो टर्शरी होगा क्योंकि टर्शरी वाले केस में वहां पर टर्ड बिटल कार्बोनियमायन बनता है

बच्चा अब मैं उम्मीद कर रहा हूं हर एक बच्चा एकदम बढ़िया तरीके से फोड़ रहा होगा yes? बोलो समझ में आया बच्चा कोई डाउट है किसी को भी कहीं पर भी मजा आ रहा है ओ भाई क्या बात है क्या बात है मजा आ गया जबरदस्त हो गया सर अच्छा बोला सर और फास्ट लो इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो सर और फास्ट लो अब ज्यादा बचा ही नहीं है यार अब क्या बचा इलेक्ट्रोक फीलिंग जरा इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब वही दो नंबर वही चार नंबर वाली कहानी जो आपने फिलहाल में सीखा था सर दो नंबर चार नंबर का मतलब चार नंबर दो नंबर चार नंबर खत्म दो नंबर से एच बी आर बाहर यहां से एच बी आर बाहर यहाँ पर दो नंबर वाला क्या बनेगा माइनर दो नंबर वाला बनेगा माइनर और चार नंबर वाला बनेगा मीटर क्राफ्ट रिएक्शन

तुमको लगता है बस यही है हमारी एकदम जीवन साधनी जीवन संगनी अरे पगले एग्जाम का माहौल है इसलिए तुमको थोड़ा सा भाव दे रही है समझे नहीं तुम लग रहा है, है? तुम लोग बिना कसम से यस ऐसा मत क्या करो यार कोई प्यार से दो बातें कर लेते तुम लोग फिसल जाते हो एकदम जल्दी से तुमको लगता है बस लाइफ सेट है हमारी कुछ लाइफ सेट वेट नहीं है एग्जाम खत्म होते ही तू कौन मैं कौन तो कभी अगर एग्जाम के आजू बाजू कोई बंदी रहे और बड़ी प्यार मोहब्बत से बात करे मत क्या बन जाना सख्त बन जाना सख्त है 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 कि नहीं आगे पता है तुमको तुम क्या हो यस चलेगा चलो तो भाई यहां पर एनी सोल में सीएस थ्री सीएल सर होगा क्या पहले वो बताओ सिंपल है यार दो नंबर से एच यहां से एच यहां से सीएल बाहर सीएस थ्री आके दो नंबर पर अटैक करेगा फिर वही काम होगा चार नंबर पे देख लो दो नंबर चार नंबर ये मिथॉक्सी है आप बोल सकते हैं इसका दो दो नाम आ सकता है

वटा करने से क्या होता है बच्चा एसीटो बन जाते हैं क्या बन जाते हैं एसीटो फिनन तो नाम आएगा मेथॉक्सी एसीटो फिनन मेथॉक्सी एसीटो फिनन लेकिन कौन से नंबर पे चार नंबर पे मेथॉक्सी एसीटो फिनन दो नंबर पे मेथॉक्सी एसीटो फिनन चार नंबर वाला जो बंदा है वो मेजर बन जाएगा और दो नंबर वाला जो बंदा है वो माइनर 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 बन जाएगा क्या ये कांसेप्ट समझ में आ गया सबको यस और नो और इसी के साथ लास्ट कांसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर आर यू एक्साइटेड यस और नो Yes or no, जल्दी से बोल दो last concept आ गया भाई, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको छोटा नंबर से एचओ एच पानी बार दो नंबर बैठा करेगा चार नंबर से एचओ एच पानी बार चार नंबर बैठक करेगा मतलब दो नंबर चार नंबर चार नंबर वाला मेजर दो नंबर वाला माइनर और इसके बाद क्या है सर? इसके बाद यूजेज है मेरे भाई अल्कोहल का यूजेज कहां करते हैं बोलो जरा चैप्टर खत्म हो गया अरे बिल्कुल यस और नो तो भाई ढाई ढाई घंटे में लेक्चर उड़ रहे हैं पर चैप्टर चैप्टर खत्म हो रहा है आज का तो भाई जबरदस्त था कल थोड़ा ज्यादा लेक्चर लगा ज्यादा टाइम लगा बिकॉज कल का चैप्टर बड़ा था डेरेटिव आज कंपेयर टू छोटा है कल का चैप्टर द बिगेस्ट चैप्टर होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और कल के चैप्टर की खास बात यह है कि कल शायद पूरा सात बजे तक टच होने वाला है मेरी कोशिश रहेगी कल मैं पहले से थोड़ा सा फास्ट लूंगा अभी से बता रहा हूं एक चीज मैं और बता दूँ बच्चा जो हमारा बोर्ड एग्जाम है जिस दिन आप पेपर देकर आओगे फिजिक्स का उसके बाद अगला पेपर केमिस्ट्री होगा फिजिक्स का पेपर देकर आने के बाद चार बजे हम ऐसे ही मिलेंगे आप चाहे जहां पर भी रहोगे कॉलेज से जहां पर भी सेंटर गया होगा घर पर आने के बाद हल्का सा आराम करना जल्दी पहुंचने की कोशिश करना पेपर पर डिस्कशन में टाइम मत लगाओ जो हो गया सो हो गया छोड़ दो अभी जो हो गया सो हो गया लेकिन तुरंत भागकर आना कोशिश रहेगी मेरी चार बजे पाँच बजे जो है कि बच्चा क्या करूंगा मैं ठीक है मुकेश सर को बोलूंगा भाई आप डिस्कशन थोड़ा जल्दी ले लो तीन बजे तक ले लो तीन से चार के बीच में और चार बजे बच्चा हम तुरंत जो है कि अपना लेक्चर जो है कि शेड्यूल करेंगे और इसी तरीके से चार से सात आठ नौ दस तक जाएंगे अब इसी बच्चों को अगर ये लग रहा है कि सर पूरा का पूरा कंसेप्ट करवा के दोगे तो मैं एक चीज बता दूं कि एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है तो मेरी कोशिश होगी कि यार पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कराऊं जो इंपॉर्टेंट जो हरी वेटेज वाले चैप्टर हैं या जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ठीक है वो मैं आपको कराना क्योंकि हमने अभी वन शॉट आपको रिसेंटली लिया है अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि सर पूरा का पूरा वापस एक दिन में करवाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि तो मैं करवा दूंगा मैं दिन भर खड़ों के पढ़ा दूंगा लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी कब होगी आप खुद से पूछ लो तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना इसीलिए इसीलिए आपको बच्चा मैं यही बोलूंगा कि उस दिन जब मैं चार बजे लेक्चर शुरू करूंगा तो मैं पहले से प्लान कर लूंगा कि मुझे क्या क्या कराना है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ सिलेक्टेड कंटेंट कराऊंगा जिसमें बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हंड्रेड बहुत ज्यादा होंगे इस बात का ध्यान देना बहुत ज्यादा होगा वो वन शॉट बोल सकते हो या जो डिटेल लेक्चर जो मैं लूंगा उस दिन एकदम कंप्लीट तरीके से उसमें से चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे तो आप लोगों को बस यही कहूंगा मैं चार बजे कहीं पर भी रहना चार बजे से लेक्चर बैठना शुरू कर देना चार से लेकर पूरा दिन भर बैठेंगे और फिर अगला जो दिन रहेगा उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि, कि हल्का सा बस आपको गाइडेंस दू ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा लेक्चर भले ही देखो मैं बताऊं देखो यूट्यूब पे बहुत से लोग आएंगे बहुत से लोग आपको पूरा दिन भर पढ़ाएंगे अच्छा अगला दिन आपको खुद से पढ़ाई करना है अगर आप सच में अच्छा करना चाहते हो तो एक दिन आपको खुद से पढ़ना है मैं भी पढ़ा सकता हूं पूरा दिन भर लेकिन मैं एज ए टीचर मैं एज ए स्टूडेंट दोनों साइड से देख रहा हूं कि यार अगर मैं दिन भर लेक्चर ही बैठता रहूंगा तो मैं सही बात सही मायने में, में मुझे यह नहीं समझा कि मुझे क्या आया क्या नहीं आया ये सच्चाई बता रहा हूँ सही मायने में आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा दिन भर तो टीचर ने पढ़ाया आपको तो पता नहीं चला कि मुझे कितना आया इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगला दिन आप अपने लिए बफर में रखो कि यार अगले दिन मैं पूरा रिवीजन करूंगा आज सर ने जितना कराया जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया वो मैं कवर कर लिया तो हमारा कुछ चैप्टर हो गया सर के साथ में अब कुछ मैं जो कि पूरा दिन भर मैं करूंगा और एंड में रात होते होते पूरा एक बार गुथरू फिर से करना एक ही दिन का समय है इसलिए बहुत दिक्कत होती है बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हर बार यार पिछली बार भी एक, एक ही दिन का समय दिया था पता नहीं क्यों केमिस्ट्री के लिए एक ही दिन देते हैं मुझे मैं नहीं पता बट बहुत दिक्कत होती है बच्चों को ठीक है चलिए अल्कोहल मिथैल अल्कोहल सॉल्वेंट पेंट और वर्निस के रूप में होता है इथैलअलकोल का यूज हम एंटी फ्रिज के रूप में करते हैं ठंडी कम लगी उस करते हैं

तो आप ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप में जाइए और टॉपर क्रैश कोर्स का हिस्सा बन जाइए जल्दी से टॉपर क्रैश कोर्स बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद शुरू होने वाली है जबरदस्त बैच जिसमें 2023 के रिसेंट में जाएंगे और साथ 2022-2021 के भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हमने देंगे ठीक है सोल्यूशन के रूप में तो बहुत जबरदस्त फीलिंग होने वाली आपके लिए तो देर मत करना बच्चा बहुत धमाकेदार तरीके से जाइए ऑल अबाउट केमिस्ट्री एप के अंदर और जाकर टॉपर्स का जो क्रैश कोर्स है उसको परचेस कर लीजिए बहुत ही मिनिमम सी प्राइस में पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको मिलने वाली है तरीके से। वहाँ पर प्लस भी तो बैच ये टॉपर बैच रहे जो बच्चे जुड़े उनको पता है कि यार क्या हो रहा है इसके अंदर और क्या करवाया जाता है ठीक है हमारी दो चीजें इससे आपके सामने एक ब्रह्मा बुक जिसको आप लेकर अपने आप में अपने स्कोर को बुस्ट कर सकते हो और दूसरा है आपका टॉपर क्रैश कोर्स इसकी मदद से आप सच में टॉपर वाले कैटेगरी में आ जाओगे ठीक है मिलेंगे ऐसे एक खूबसूरत से लेक्चर में कल के दिन तब तक के लिए बाय बाय बच्चे बाए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जय हिंद जय हिंद जय हिंद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर यस थैंक यू बच्चे थैंक यू। सर के लेक्चर में 900 का सुपर चैट चलो पार्टी लेंगे मुकेश से